all of you are here to see Javed Saab. Let's give him a grand welcome and hopefully an ovation that he'll remember from Javed Akhtar Saab. I would like Dr. Abdullah and Javed Saab to take their seats. Can we give him another big round of applause? And I think he deserves a standing ovation. खवातीन हज़रात, आप सबके पास बहुत ही तफसीली तारुफ हमारे आज के मेहमान जावेद अख्तर साहब का आपकी टेबल्स पे पहुंच रहा है. पीपल आर ब्रिंगिंग इट. जब एक तहजीब, एक सकाफत, एक सब कॉन्टिनेंट जो है वो एक नाम से पहचाना जाए तो उस नाम के तारुफ के लिए आपको थीसिस नहीं लिखनी पड़ती, सफात नहीं लिखने पड़ते. जावेद अख्तर साहब आपके सामने हैं. ये एक तहजीब की नुमाइंदा, पूरी एक तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं, पूरी एक सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं, पूरी एक आइडियोलॉजी जो है इनकी वो बड़ी यूनिक है. और कल एयरपोर्ट से आने के बाद और यहाँ तक इनके पहुँचने तक हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं, क्योंकि दिस हैज़ बीन अ ड्रीम सीक्वेंस फॉर माई सेल्फ. इट वॉज ऑन अजीज़ धारानीज़ बकेट लिस्ट एंड सो वॉज ऑन माई बकेट लिस्ट. सो प्लीज़, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फयाज़ मर्चेंट साहब, ही इज़ आवर चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी, टू कम एंड से अ फ्यू वर्ड्स एंड वेलकम आवर गेस्ट. फयाज़ भाई. यहाँ बुला ही लिया है तो कुछ बोलना तो पड़ेगा. अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद. मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ और आपको ये शाम, आपको पता चलेगा कि इतनी खूबसूरत रहेगी कि आप ये शाम को जिंदगी में याद रखेंगे, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ. चले अच्छा. और जावेद अख्तर साहब और डॉक्टर अब्दुल्ला, आपका ह्यूस्टन में स्वागत है. और ये शाम जो आपके साथ ही गुजार रहे हैं, इनकी यादगार शाम होगी. इस महफिल में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, मगर इतने ज़्यादा है कि मैं जिक्र नहीं कर सकता कौन कौन है, इसलिए कि किसी को भूल गया मैं तो मेरी शामत आ जाएगी. अब मैं बताता हूँ कि ये बड़ी अजीब चीज़ है कि मैं गुजराती था, गुजराती था. और हुआ ये मेरे साथ कि पहली बेटी की शादी हुई वो लाहौर में पंजाबी के साथ हुई, उसको गुजराती नहीं आती थी, या पंजाबी बोलता था या उर्दू बोलता था. दूसरी बेटी की शादी वो अरब से हुई, ना उसको पंजाबी आती है ना उर्दू आती है, मगर एक बात कमाल की हुई कि उसने इतनी हिंदी फिल्में देखी कि उसको उर्दू या हिंदी समझ में आती. तीसरे बेटे साहब जो थे उन्होंने शादी की हैदराबाद दक्कन की बच्ची जो कराची में पैदा हुई थी, वो उर्दू में काफ़ी माहिर थी.
तो हुआ ये कि खानदान में एक चेंज आया कि अब डिसाइड करना है कि अब घर में कौन सी जबान बोली जाए, तो अब हमारे घर में उर्दू बोली जाती है। वो उर्दू जो है, उर्दू जबान जो है वो बड़ी वर्सेटाइल जबान है, हर एक लफ्ज़ को अडॉप्ट कर लेती है। ये आप इन्होंने हमको कल एक तो सुनाया था पूरा एक पैराग्राफ जिसमें हर किस्म के लफ्ज़ थे, और कोई टर्किश था, कोई इंग्लिश था, कोई फारसी था, कोई अरबी था। तो उर्दू ज़बान ऐसी वो ज़बान है कि हर एक चीज़ को टेक ओवर करती है, हर एक चीज़ की डिक्शनरी चेंज होती रहती है। तो ये बात हो गई। और सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो हमको आगा खान फाउंडेशन के साए चले हैं हम, और ये आगा खान फाउंडेशन को हमने जितनी भी इसमें से नेट प्रोसीड्स हैं, हमको जितने पैसे बचेंगे दैट विल गो टूवर्ड्स डोनेशन टू आगा खान फाउंडेशन विच इज़ डूइंग अ वेरी गुड वर्क। देखिए मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, बहुत लंबी बातें कर ली है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ गेस्ट बैठे हुए हैं उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है हमारे प्रेसिडेंट इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के, बावजूद इसके कि इनके बेटे का रिसेप्शन कल रात है, यहाँ मौजूद हैं बासित जलीली साहब, तशरीफ लाइए। माशाल्लाह पूरा हॉल पैक है, इस पर भरा हुआ है। ख्वातीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम, मैं इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी की तरफ से तमाम हाज़रीन महफिल को खुश आमदीद करता हूँ। यकीनन आपकी यहाँ मौजूदगी जो है उसने इस तकरीब को चार चांद लगा दिया, और इसके लिए मैं IAS की जो हमारी टीम है जिसमें नुमाया नाम फयाज़ मर्चेंट, अदील जैदी साहब और अज़ीज़ देहरानी के हैं, जिनकी बे इंतहा अनथक कोशिश से, दिन रात की मेहनत से आज का ये प्रोग्राम जो है वो पाए तकमील तक पहुँच सके। आज की ये शाम अपनी ज़ुबान, तहजीब और सकाफत के हवाले से अदब और तख्लीक के नाम है। आज हमने जिस शख्सियत को गुफ्तगू और शायरी के लिए मदऊ किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनके लिखे हुए गीत, जिसकी मिठास और फिक्र अंगेज नज़में हम सब जिनसे सरचार रहते हैं, जो लफ्ज़ों की जादुई तासीर से आहंग करने का हुनर जानता है, उसके पास वो जादुई कलम है। मैं अली हुसन और IAS की तरफ से, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी की तरफ से, जनाब जावेद अख्तर साहब को आज की इस महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं खुश आमदीद कहता हूँ डॉक्टर अब्दुल्ला को, जिनकी वजह से जावेद अख्तर हमारे दरमियान मौजूद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के हवाले से कि आखिर क्या वजह है कि हमने ये सोसाइटी बनाई, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी, जिसमें असल में हमारा मकसद तो यही है कि हम अपनी शनाख्त इस मुल्क में जब रहें तो हमारी शनाख्त जो है बरकरार रहे, और उसके लिए हमारी ज़ुबान का हमें जो है अगली नस्ल तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी में बाज़ाहिर तो आपको कोई लफ्ज़ उर्दू का नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो हमारा विज़न है वो ये है कि हम इस मल्टी कल्चर सोसाइटी में जो रहते हैं तो हम दूसरी तहजीबें जो हैं, दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं, उनको भी अपने साथ किसी एक ऐसे स्टेज पर, जबकि हम उनकी किताबों की जो है ट्रांसलेट कर सकें और अपनी जो किताबें हैं उनकी ज़बान में ट्रांसलेट कर सकें, यह एक विज़न था। इसकी वजह से हमने उसका नाम जो है इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी रखा। मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा आपका, लेकिन फयाज मर्चेंट की तरफ से दरख्वास्त करूँगा कि इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के मेंबर बनिए, ताकि हम जो हैं आइंदा अच्छे प्रोग्राम कर सकें। और वो जावेद साहब के गीत है कि मैंने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो वो मुझे ये तो नहीं है कि जावेद साहब ने जब वो गीत लिखा तो उस वक्त जो है उन्होंने किसी लड़की को देखा था, या उनकी निगाह में थी, या तसव्वुराती थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैंने एक लड़की को देखा था तो मुझे ऐसा ही लगा था जैसा कि उन्होंने लिखा है।
और वो लड़की आज तक मेरे साथ है और मेरे सामने बैठी हुई है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वासिल भाई बहुत शुक्रिया। और हमारी भाभी आज बहुत खुश हैं कि उन्हें लड़की कह के बुलाया वासिल भाई। ये देखिए किस किस कदर खुश हैं। एक शेर याद आ रहा है कि जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए वो लोग। देखिए सामने से करेक्ट मत कीजिए, ये वक्त नहीं है। जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए वो लोग, आपने देखे ना हो शायद मगर ऐसे भी हैं। मेरी गुजारिश है डॉक्टर अब्दुल्ला से कि तशरीफ़ लाएं हमारे जावेद भाई के लिए कुछ एक दो जुमले और फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब आइए। भाई बहुत शुक्रिया जी साहब। आदाब जावेद साहब, किसी भी मशहूर आदमी का तारुफ मुश्किल होता है, जावेद साहब बहुत ही ज़्यादा मशहूर आदमी। मैं दो तीन बातें कह देता हूँ, तारुफ की ज़रूरत तो नहीं थी। जावेद साहब का जो अदबी शजरा है, 7, 5, 8 पुश्तों के पीछे जाइए, वो ऐसा अदबी शजरा है कि जिसके तस्करे के बग़ैर उर्दू अदब की तारीख मुकम्मल नहीं होगी। जावेद साहब जिस ख़ानदान के सरबराह हैं उसके हर फर्द के तस्करे के बग़ैर हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की तारीख मुकम्मल नहीं होगी। आज जो है आप कोई भी हिंदुस्तान का पार्लियामेंट हो या वहाँ की यूनिवर्सिटी हो, लंदन में यूनिवर्सिटी हो, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के लेक्चर रूम्स हों या टीवी के जितने प्रोग्राम्स होते हैं हिंदुस्तान में, उसमें समाजी मसला हो, अदबी मसला हो, कोई कभी कभी मजहबी डिस्कशंस हो, इन तमाम चीज़ों पे जावेद साहब को लोग सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं और ये तमाम बातें हैं। तो इसलिए जावेद साहब जो हैं हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन के करीब पापुलेशन में तकरीबन 2-3 दर्जन लोग ऐसे होंगे जिनमें इनके टॉप 50 लोगों का रिकग्निशन जो है वो उनमें से एक है। तो तारुफ तो जावेद अख्तर का सिर्फ ये है कि इनका नाम जावेद अख्तर है, एंड दैट्स एनफ फॉर हिज इंट्रोडक्शन। तो एक दफ़ा आप लोग फिर जावेद साहब के लिए ढेर सारी कीजिए। और मैं तो साहब तकरीर का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि यदील जैदी साहब जो हैं वो बड़े स्वीट टॉकर हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, तो मैं इनकी बातों में आके मैंने एक जिम्मेदारी ले ली और ऐसे काम की जो मैंने ज़िंदगी में कभी किया नहीं, यानी सवाल जवाब का, वो भी जावेद साहब के रूबरू हूँ जिनके सामने बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड एंकर्स जो हैं बैठने में घबराते हैं। बहरकैफ तो मैं आप लोगों की दुआएँ चाहता हूँ, जावेद साहब की मेहरबानी। बात बहुत सी बातें लोगों ने कही हैं। एक इनको अवार्ड मिला था 4-5 साल पहले जिसके बारे में लोगों को नहीं मालूम, वो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, जो एशिया के पहले आदमी हैं ये जिनको ये मिला था, वो कुछ रैशनैलिटी वगैरह के ऊपर है। तो मैं जावेद साहब से चाहूँगा कम से कम उसके बारे में दो लफ्ज़ बताएं कि वो अवार्ड है क्या और आपको क्यों दिया गया रिचर्ड डॉकिंस। पहले तो आप सब मुझे मुबारकबाद दीजिए कि मेरे बोलने की बारी आ गई। क्या कहने जा मैंने अक्सर देखा है कि जब किसी फंक्शन में जाता हूँ तो जो बोलते हैं वो कहते हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन चांस नहीं लेते, तारुफ करा ही देते हैं कि भाई क्या मालूम मोहताज हूँ। तो बहरहाल आपका सवाल जो था वो आपने बड़े मुश्किल सवाल से बातचीत शुरू की है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका ही में,
कैलिफोर्निया में, सेंटर फॉर साइंस एंड रैशनैलिटी। ये साइंस और रैशनैलिटी का मतलब ये है कि आप एग्नोस्टिक या एथीस्ट हों, कि आपकी थिंकिंग जो है वो साइंस की मदद से और रैशनैलिटी के सहारे बनी हो, तो आप किसी काबिल हैं उनकी नज़र में। तो बहरहाल मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ और ऐसे ही बोलता भी हूँ, और बहुत से लोग हैं मैं समझता हूँ दुनिया में जो इसी तरह सोचते हैं, लेकिन शायद कहने में उन्हें कुछ थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि सोशल प्रेशर्स होते हैं। आम तौर से लोग बहुत रिलीजियस होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, इमोशन बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, फीलिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। अच्छा, एथीस्ट के सेंटिमेंट नहीं होते, ये आपको मालूम है? आज तक आपने नहीं सुना होगा फला एथीस्ट का सेंटिमेंट हर्ट हो गया। ये सेंटिमेंट सिर्फ रिलीजियस लोगों के होते हैं, इसलिए कि उनके पास सेंटिमेंट के अलावा कुछ होता भी नहीं है। तो अभी हर्ट कैसे होगा? लॉजिक तो हर्ट नहीं हो सकती, वो है नहीं, तो सेंटिमेंट ही है, वो हर्ट हो जाता है। तो बहुत से लोग नहीं बोलते, लेकिन मैं समझता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, दुनिया में अब बहुत लोग ऐसा सोचने लगे हैं और उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। तो अब मैं ज़रा कुछ इस मामले में शेखी में आ जाता हूँ, और मैं अपनी राय का इजहार भी करता रहता हूँ, चाहे वो प्रिंट में हो या टेलीविज़न पे हो। तो उसकी वजह से मेरे ख़्याल से उन्होंने कहा कि भाई इस किस्म के गैर जिम्मेदार और बेवकूफ लोग कम मिलेंगे हिंदुस्तान में जो साफ साफ ऐसा बोलते हैं, तो इनको इनाम दे दो। ये हुआ था। अगर मैं जी मैं एक बात और कर लूँ, फिर आप बात की देंगे। वो जावेद साहब के तकरीबन दादा के, मेरा ख्याल नाना या दादा थे फजल हक साहब, वो मेरे दादा के नाना थे। वो गालिब के एक कंटेम्परेरी से, जैसा कि वो किताब जो आपके पास तरकश है उसके फ्लैप पर गोपी चंद नारायण ने तफसील से लिखा है कि गालिब का दरअसल जो पहला दीवान था उन्हीं का सिलेक्शन था, और इतने बड़े शायर के इतनी सारी शायरी में मौलाना ने इतना सा कलेक्शन छाप दिया था, तो उनका स्टैंडर्ड उससे मालूम होता। बाहर क्या वो सिलसिला वहाँ से आज, बाई दे वो पहले आलिम थे हिंदुस्तान के एक मुसलमान, जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया, काले पानी की सज़ा हो गई और वो वहीं पर दफन हो गए। तो मैंने बात इसलिए कि वो सिलसिला छः पुश से और फिर जावेद साहब के बच्चों तक एक जो क्रिएटिविटी है, वो क्या जीन से ताल्लुक़ है इसका आपके ख्याल से, इंसान के माहौल से है, या आपकी अपनी मेहनत से? देखिए, अभी तक तो साइकेट्री ये मानती है, साइंस ये मानती है कि जो एक्वायर्ड क्राफ्ट है या आर्ट है या नॉलेज है वो जीन्स में नहीं जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी हद तक ये अपनी राय कुछ बदलेंगे, इसलिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप फैमिली एक देखते हैं, मैंने ऐसी फैमिली देखी है जिसमें 20 आदमी पेंटर है, जो बच्चा है वो पेंट कर लेता है। फैमिलीज हैं जहाँ म्यूज़िक है तो हर बच्चा म्यूजिशियन बन जाता है, हर एक को म्यूज़िक आती है। तो पता नहीं किस हद तक ये जेनेटिक होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जो आपका एटमॉस्फेयर आपके चारों तरफ है, वो थ्रू सम प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इट कीप्स ऑन गोइंग इन यू। मुझे ऐसा लगता है कि एक फैमिली जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है, वहाँ जो बच्चा नालायक बच्चा जो है, जो कि अपने बुज़ुर्गों के काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा, उसको भी 14-15 साल की उम्र तक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इतना मालूम हो जाएगा, जो मेरे जैसे आदमी को 4-5 साल किसी कॉमर्स कॉलेज में जाके एडमिशन लेके पढ़ना पड़े तब आएगा। इसलिए कि उसकी हवा में, उन हवाओं में है, वो एक धीरे धीरे बग़ैर किसी कोशिश के सीखता रहता है, अनजाने में, उसे मालूम भी नहीं होता कि वो सीख रहा। तो हो सकता है ये वजह हो सकता है कुछ जेनेटिक भी हो सकता है कि चूँकि आप अपने बड़ों को, अपने घर के लोगों को देखते हैं, एक चीज़ में दिलचस्पी लेते, तो आपको भी ऐसा लगता है कि कोई अच्छी चीज़ होगी तो उसमें आप दिलचस्पी लेते हैं, और कुछ टैलेंट भी होगा। अब ये टैलेंट क्या चीज़ है, ये भी एक बड़ा अजीब सवाल है। क्या टैलेंट का ताल्लुक ज़हानत से है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अब टैलेंट भी आपके जहन में ही है, लेकिन जिसे हम इंटेलिजेंस बोलते हैं,
और टैलेंट, ये कभी कभी साथ में होते, कभी कभी नहीं भी होते। तो ये क्या खूबी है इंसानी दिमाग की जिसे हम टैलेंट कहते हैं? दिस इज समथिंग टू बी प्रूव्ड एंड थॉट अबाउट। अब्दुल्ला भाई जी, इनका तीसरा सवाल आप कर लीजिए। चलिए ऐसा है जी, अब्दुल्ला भाई से बात हो रही थी ड्राइविंग के दौरान, वो कल रात बैठे इनके साथ जी जी, फिर उन्होंने बताया कि इनके दो बेटे हैं, बच्चे हैं उनके, और ये सब एक घर में रहते हैं। तो ये जो खबर थी ब्रेकिंग न्यूज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ये कल रात से जहन पे छाई हुई थी कि ऐसा भी होता है, अब भी होता है। हमारी तो जो आबाई हवेली वहाँ है इंडिया में, वहाँ ऐसा ही होता था। हमारे दादा परदादा जितने वो सब वहीं थे। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में क्या कहिएगा जावेद भाई आप, इसके क्या फवायद हैं और क्या नुकसान हैं आपकी नजर में? वही किस्सा है कि जिंदगी जो है आपको अगर अच्छा और बुरा देती होती तो मसला ही ना था, आप फौरन अच्छा ले लेते, बुरा छोड़ देते। लेकिन लाइफ ऑफर्स यू पैकेजेस, हर पैकेज में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। आप सोचते रहिए बैठे हुए कि कौन सा अच्छा, एक सेलेक्ट करना पड़ता है। आमतौर से जो सेलेक्ट कर लेते हैं वो उससे बेहतर वो लगता है जो आपने छोड़ दिया था। अब जो जॉइंट फैमिलीज हैं उनके भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। उसी तरह से मतलब ढोल और रिश्तेदारों में एक ही चीज़ कॉमन है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, रिश्तेदार भी दूर के ही सुहाने होते हैं। तो बाकी ये कि अब देखिए, मैं तो बहुत छोटी सी फैमिली है, एक बेटी है एक बेटा है और एक मैं और शमाना है। सिर्फ मैं और शमाना साथ में रह रहे हैं, देखिए दुआ कीजिए ऐसे ही रहे अलविदा भी। लेकिन बाकी तो बेटी का घर अलग है, बेटे का घर अलग है। और हम लोग बचपन में या स्कूल डेज में बात करते थे, अरे भाई अमेरिका इंग्लैंड में तो सब अलग है, वहाँ तो साहब भाई भाई एक दूसरे को रिश्तेदार भी फ़ोन करके मिलते हैं, ऐसे थोड़ी घर चले जाते हैं किसी। तो बाकी लोग हैरत से सुनते थे। अब हम वो ज़िंदगी जी रहे हैं और बिल्कुल ठीक लग रही है। हम भी अपने मुझे यहाँ कई लोग पूछे अभी पिछले 24 घंटे में, फरहान को आप नहीं लाए? अरे वो बेकार बैठा हुआ है क्या? उससे मिलने वो मुझे फ़ोन करना पड़ता है या वो मुझे फोन करता है कि भाई कब मिल सकते हैं। तो आमतौर से 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद का कोई अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। तो ये तो हो गई ज़िंदगी, और ये भी ठीक है। उसमें ज़्यादा अपने औलाद पर आप पूरी तरह मुसल्लत रहें यह अननेचुरल बात। आप ज़रा जानवरों को देखिए और ये सीखने वाली बात है, परिंदों में चरिंदों में दरिंदों में सब है, कि बच्चे को पालते हैं और बेहद मोहब्बत से पालते हैं बच्चे के लिए। ख़ासतौर से माँ जो है उसका, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो बदरिया हो, चाहे वो मगरमच्छ, कुछ कोई हो, मछली हो, वो अपनी जान देने को तैयार है अपने बच्चे को बचाने के लिए, और कभी कभी जान दे भी देती है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो जानवरों में पैरों पे खड़ा होने का मतलब है अगर आप परिंदे तोड़ लेते हैं और अगर आप शेरनी के बच्चे हैं तो अब आप इस काबिल हो गए कि कुछ शिकार कर लें। शेरनी ये बच्चे सूरत से उठ के चली जाती है, छोड़ देती है। ये हम ही हैं कि हमारा बच्चा 40 साल का भी हो जाए तो हम बताते हैं कि सही क्या है। ये नहायत ही गैरफितरी बात है। तो मैं समझता हूँ कि जॉइंट फैमिली जो है ठीक है, जो लोग उसमें खुश हैं खुश रहें, मैं क्यों उनकी खुशी में मुकर लूँ। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग अलग अलग सांस लें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा फासला बहुत ज़रूरी है गुर्बत के लिए। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी हमें वो भी जाती रही आपके इस जवाब के पास। हमारी बेटी ने भी सुना, बैठी हुई है यहीं पर।
आप इस उम्मीद में ना रहिएगा कि आपकी बेटी हमेशा आपको अपने घर में रखेगी। नहीं नहीं, वो उम्मीद तो नहीं थी। लेकिन ये कि आधा जवाब मिल गया उनका। जाहिर साहब, आपके दादा मिस्टर खैराबादी साहब को गुलशन के नाम से इंतखाब मिला और उसके बैक टाइटल पे शायद तीसरा शेर है कि बुरा हूँ मैं जो किसी की बुराइयों में नहीं, बुरा हूँ मैं जो किसी की बुराइयों में नहीं, भले हो तुम जो किसी का भला नहीं करते। तो क्योंकि ये कुछ दिल पे भी लगी बात और हस्ब हाल भी है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा अपने दादा के बारे में और वो जो ये गज़ल का सिलसिला है जो आपको मिली, जो कि मंसूब है बहादुर शाह जफर साहब से, उस वाकये को अगर एक दफ़ा हमारे। वो तो गुलशन जो है उसकी जो दिबाचा है खिरमन, और नहीं गुलशन, ये गुलशन में भी इंतखाब का नाम गुलशन है खिरमन से जी। जो हुआ ये कि मैं तो जैसे बात हुई मैं तो अलग ही रहता था, तो जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मेरा छोटा भाई वो वहाँ था और वो उस घर में रह रहा था। कुछ उसके 8-9 साल के बाद उसे लगा कि भाई अब उसकी बेटी बड़ी हो गई है और ये हो गया है कि घर जो है कि इससे बड़ा घर ले लेना चाहिए, तो वो ये घर बेच के उसने एक दूसरा घर लिया और इसमें जो नकले मकानी जिसे कहते हैं वो हुआ कि सब सामान वामान, तो उसको एक मसेरी के नीचे से एक दफ्ती का बड़ा सा डिब्बा मिला जिसमें बहुत से कागजात भरे हुए थे। अब ये सब पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं बम्बई में, तो इनको तो उर्दू आती नहीं है, तो ख्वाब भी अंग्रेज़ी में देखते हैं। तो वो उसने डब्बा मुझे भेज दिया कि भाई आप जान लेंगे कि कागजात को ज़रूरी हैं कि नहीं है। तो अच्छा, बड़ा डब्बा था, बहुत कागज़ थे उसमें, तो मैंने रखवा दिया कि देखेंगे किसी दिन। और ये किसी दिन का किस्सा ये है कि अब हमारे शहर में, आपको तो खुद बहुत बड़े शहर में रहते हैं, तजुर्बा होगा कि वक्त ऐसे गुजरता है पता ही नहीं लगता है। तो मेरा ख्याल है उस डब्बे को रखे 3-4 साल हो गए, एक दिन पता नहीं क्यों मुझे ख्याल आया कि अरे वो निकालो देखते हैं डब्बे में क्या है। तो उसमें बहुत सारी बेकार चीज़ें भी थी, धोबी के हिसाब की कॉपी भी थी, कुछ लोगों के खतूत थे, कुछ बहुत अहम खत थे, फिराक गोरखपुरी के, आलम सरूर के, शाह तमकिनत जो हैदराबाद के बहुत बड़े शायर थे उनके खतूत थे, तो मैंने संभाल के रख दिए। और बाकी कुछ बेकार की चीज़ें भी थी, कुछ पुरानी फायर के उनके अख्तर साहब के लिखे हुए फिल्मी गाने जो कॉपी पर उन्होंने लिखे थे, काटे थे, तो वो कॉपी देख के मुझे उनकी राइटिंग का प्रोसेस समझ में आया कि कैसे लिखते थे, वो कहाँ काटा, फिर दोबारा क्यों लिखा, फिर इसमें कौन सा मिसरा चेंज किया। तो अच्छा दिलचस्प वो था एक ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल नीचे एक गठरी लाल कपड़े में बंधी हुई थी, मैंने वो खोली तो मुझे उसमें मुस्तर की जो मेरे दादा थे उनकी कोई 150 गज़लें और एक दिबाचा लिखा हुआ जानिसार अख्तर साहब का जो उनके फर्जंद थे वो मिला। तो मैं तो हैरान रह गया देख के, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। तो फिर जब मैंने उसे पढ़ा तो उसमें 2-3 गज़लें जो मैं वाकिफ था जिनसे, वो नहीं थी उसमें। अब ये है कि उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मैगजीन्स में तो उनकी शायरी छपी थी, लेकिन वो शायद उनका इंतकाल जल्दी हो गया, आई थिंक ही वो 57 ईयर्स ओल्ड बनी पास हुए, वो उनकी किताब कभी नहीं छपी थी, वो रह गई। शायद सोचते होंगे छपाएंगे, सब जमा किया था, फिर नहीं हुआ, तो उनके बेटे ने शायद किया, मुझे मालूम नहीं है किसने जमा की थी। तो मैंने सोचा कि अब ये 2-4 गज़लें जो मुझे ख्याल है, वो अशार मुझे याद है, वो इसमें नहीं है, तो एक काम किया जाए कि पहले उन्हें भी ढूंढ लें और फिर छपा देंगे। तो क्या थोड़ी देर लग जाएगी ना, इतने दिनों नहीं, 1927 में उनकी डेथ हुई थी, मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे लेट 90s की और मे बी अर्ली 21st सेंचुरी 2003-2004 हाँ, तो क्या हो गया, थोड़े दिन लग जाएंगे उसमें। तो दो बड़े होनहार यंग लोग थे, एक सुहेल नाम है उनका, सुहेल अख्तर, और एक है उबैदुल आजमी, ये दोनों यंग लोग हैं और दोनों उर्दू में एमए किए हुए हैं यूनिवर्सिटी से, तो मैं उन्हें जानता था, दोनों शायरी भी करते हैं।
तो मैंने उन दोनों को बुलाया, मैंने कहा देखो भाई ये जमा करना है, हो सकता है अलग अलग शहरों में जहाँ मुस्तर रहे हैं, ग्वालियर में, इंदौर में और दो तीन शहर हैं, तो वहाँ मैं जा नहीं पाऊँगा, वहाँ पर जाके आप वहाँ की लाइब्रेरी या उनका कोई ज़ाती कुतुबखाने हैं उसमें आप देखें तो मिल जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है हम इस मामले में आपके साथ हैं, तो एक टीम बन गई। 150 से हम शुरू हुए थे। इस काम को 10 साल लगे, इसलिए कि वो बूंद बूंद गिरता ही रहा, वो बादल जो था वो बूंदें ही रुकी नहीं, और वो फिर कुछ मिल गया तो फिर कुछ मालूम हुआ, फला जगह आप चले जाइए फला शहर में तो वहाँ वो रहे थे, वहाँ वो जज थे, ये टोंक में तो फिर टोंक चले जाइए, फिर जयपुर, होते 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 जो 150 अदलें थी वो इतनी हो गई कि जब अल्टीमेटली मैंने वो उन तक को लिया, तो मैं अभी भी नहीं कहूँगा इसलिए कि अभी भी बहुत सारी बाकी होगी, 5 वॉल्यूम्स 800-900 पेजेस के, 5 मतलब 8 किलो के, तो एक मेरे दादा ने 8 किलो की शायरी की, बड़ी बात है इतनी भारी शायरी, तो ये दादा वजन को दे रहे हैं, बहरहाल मित्र भी मदन में ही थे, तो वो फिर हमने 5 वॉल्यूम्स में छपवाई और दिल्ली में फंक्शन हुआ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे उस वक्त उन्होंने उसे इनॉग्रेट किया, सब कुछ हो, लेकिन हमने सोचा भाई ये तो इतनी 5 इतने मोटे मोटे वॉल्यूम तो कोई लाइब्रेरी रखे या कोई बहुत ही उर्दू के मुहक्किक हों और मौर्रिख हों, तो आम आदमी तो नहीं ले सकता ना रख सकता है, तो ऐसा किया जाए कि इसका एक सिलेक्शन करके एक आम जो कारी है या शायरी से दिलचस्पी रखने वाला आदमी है उसके लिए हम करें, तो उसका हमने फिर एक सिलेक्शन करके गजलों का एक दूसरी किताब जो यहाँ पर मौजूद थी जो है गुलशन नाम की वो हमने छापी, तो उसका जो प्रिफेस है वो भी मेरा लिखा हुआ है पहली के अलावा भी, तो उसमें आपको ये डिटेल मिलेगी कि न किसी की आँख का नूर हूँ न किसी के दिल का करार हूँ, ये जफर के नाम मंसूब हो गई है लेकिन ये मुस्तर की गजल है। और कमाल की क्या बात है, देखिए वो कहते हैं कि व्हेन यू आर डिटरमिन्ड टू डू समथिंग द होल यूनिवर्स हेल्प्स यू। मैं एक अब ये पुराने मैगजीन न्याज फतेहपुरी फतेहपुरी साहब के जो तशरीफ रखते हैं उनके साथ आते, तो उनके भी मैगजीन में क्या निगार नाम था, निगार, उसमें वो भी मुझे मिल गया वो मजमून, जो बहुत एक मजमून उस पर इसी पे छपा था जफर नहीं मुस्तर के उन्वान से, कि ये उन्होंने लिखा था कि ये गज़ल किसकी है। उसके बाद आलम सरूर साहब का हमारी ज़बान में मिल गया, ये इस तरह के जो पुराने 1930s में बहस हुई थी उसकी तफसीलात, और ये कि जो पहली बार छपा था मतलब जो तकरीबन 58 साल तक ये जफर के किसी दीवान या कुलिया जो कि नवल किशोर ने छापी थी लखनऊ में उसमें ये गज़ल नहीं थी। ये गज़ल दाखिल हुई खलीलुर रहमान आज़मी साहब ने एक सिलेक्शन छापा था उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये एक गैर गैर मतबूआ जो कलाम उनका मिला उसमें एक ये भी गज़ल है जिसके बारे में कहा जाता है कि जफर की है। इस तरह से जफर की शायरी में, जबकि उसके बनस्बत ये बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको कहा था। चलिए अब ये आखिरी कील जो इस बात में टूटी वो यूँ कि वहाँ पर बॉम्बे में एक आर्ट एग्जीबिशन हो रही थी और मेरे पास एक लड़की आई और उसने एक नहायत ही शुफ्ता उर्दू में मुझसे बात की, तो पहले मैं तो वैसे ही चौंका कि भाई ये ज़बान तो सुनने को कम मिलती है बम्बई में खसूसा, तो कह ली कि मेरे वालिद जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनके पास उनके जो वालिद थे उनकी मुस्तर साहब से बहुत अच्छी दोस्ती थी एक ही वक्त में, सॉरी उनके दादा इनके बाप के दादा, तो वो आप उनके पास कुछ कागजात हैं मुस्तर साहब के तो वो आपको देना चाहते। तो मैंने कहा रहे थे आप, तो उसने पास में ही जगह बताई, तो मैंने कहा ठीक है अभी मैं यहाँ से जब निकलूँगा तो आप मेरे साथ कार में बैठ जाइएगा मैं चलूँगा आपके साथ। तो हम वहाँ गए तो उनके वालिद से मुलाकात हुई, वो खुद राइटर थे पूरे कमरे में किताबें ही किताबें,
तो उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे एक छोटी सी डायरी दिखाई जिसमें मुस्तर खुशनवीस भी थे, वो इस तरह से कैलीग्राफी भी करते थे, तो उनकी कैलीग्राफी से उन्होंने एक कोई लंबी नज़म लिखी हुई थी उस डायरी में, तो उन्होंने वो दिखाया। मैं ये तो नहीं कह सकता मुझे दे दीजिए, तो मैंने बहुत रख दिया। फिर कहने उनके कुछ और भी कागजात हैं मेरे पास, आप अगली बार तशरीफ लाइए, मैं उसको ढूंढ के निकाल के रखूँगा। मैं जी अच्छा, मैं गया नहीं, और एक दिन मुझे फ़ोन आया कि उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, उसके बाद उनकी बेटी का फ़ोन आया कि मैं, मेरी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ आपसे मिलना चाहते हैं आपके घर आए, तो मोस्ट वेलकम आइए। तो वो आए, पहले आप तो आए नहीं, मैं उन्होंने वो कागजात निकाल लिए थे और ये डायरी भी उन्होंने कहा था कि वो आपको देंगे, तो हम वो कागजात और वो डायरी आपके लिए लाए। शुक्रिया अदा किया, वो लिफाफा था जिसमें वो कागज थे कुछ, तो एक तो कुछ उन्होंने अपनी बहन के नाम पर लिखा था और शायद पोस्ट नहीं किया होगा तो मौजूद था, ऐसे ही कुछ दो एक बेकार कागज थे। हैंडराइटिंग उनकी मैं पहचानने लगा था इसलिए कि कई जगह से उनके हाथ का लिखा हुआ मिला था। उसमें दो पेज किसी ब्याज के फटे हुए पेज थे, जिनमें एक पेज पे ये गज़ल मुस्तर के हाथ की लिखी हुई, न मैं मुस्तर किसी का हबीब हूँ, न मैं मुस्तर किसी का रकीब हूँ, ये मकता भी था उसमें। और उसमें जहाँ ऊपर भी मुस्तर की शायरी, नीचे भी है उस पेज पे, और बीच में गज़ल भी लिखी, तो मुस्तर ने दफन की गज़ल तो लिख नहीं ली होगी अपनी ब्याज में। और इस तरह से, और जबकि उसमें उनका शायर का तखल्लुत भी मौजूद था, तो बिल्कुल ही आखिरी बात। वो इस उसकी तस्वीर गालमन ने इस किताब में है, उसमें तो है ही, अखिरमन ने इसमें भी है उसकी तस्वीर, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। तो ये हुआ, और वो गुलशन पता नहीं अब यहाँ बची है नहीं बची कॉपी, लेकिन आप जो देखिए बहुत बहुत बर्जस्ता और मुझे तो हमदा मज़े की शायरी है। दो ही लम्हे ज़िंदगी में मुझ पर गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। क्या बात, वैरायटी भी बहुत है उनकी शायरी में, दोहे भी लिखे उन्होंने, भजन लिखे, दोहे भी लिखे हैं, भी लिखी है, और मुस्तदाद जैसे वो भी लिखा है। तो बहरहाल एक दो शेर अपने दादा के, अगर सर उनके जो शेर मुझे याद हैं वो ज़रा कुछ, मैं बहुत शर्माता हूँ सुनाने में, ऐसे बड़े शोक शेर है। तो क्या आपसे आपसे मुझको मोहब्बत जो नहीं है न सही, आपसे मुझको मोहब्बत जो नहीं है न सही, और बकौल आपके होने को अगर है भी तो क्या। तो ये तो वो मेरी असल ने उनकी वो दरगाही है असीरे पंजे अहद शबाब माफ कर दो मुझे, कहां गया मेरा बचपन खराब करके मुझे, इलाज दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। उदू को छोड़ दो फिर जान भी मांगो तो हाजिर है, तुम ऐसा कर नहीं सकते तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे एक मुस्तर साहब ऐसे ग्वालियर के किले में दफन है, रानी ने उनको स्पेशल परमिशन दी थी, उनकी जो डेथ हुई नहीं तो हाँ उनको एक स्पेशल परमिशन दी गई थी कबील की ग्वालियर, और वो बहुत ऊंची हाइट पे है, वो बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, नीचे एक बहुत बड़ा गैरेज है, वहाँ पर इतने टायर रखे थे जब मैं गया था तो कई सौ टायर नीचे रखे थे, फिर चढ़ के गए तो ऊपर बड़ा ज़बरदस्त मज़ार बना हुआ है मुस्तर साहब का। मैंने भाई अच्छा इंतज़ाम है, नीचे टायर ऊपर शायद और क्या और क्या चाहिए है? थोड़ा सा रंग भी बदलते हैं, और आज सुबह जो है नाश्ते के बाद हम लोग लंच तक पहुँचते पहुँचते हमारे अजीज़ नूरानी यहाँ मौजूद हैं, तो हम लोगों ने थोड़ा सा रास्ता बदला, और हमारी आगा खान फाउंडेशन जो यहाँ है उन्होंने अरेंज किया था जावेद साहब के लिए टूर जमात खाने का, तो जमात खाने के टूर में जाने का वहाँ पे मौका मिला और बड़ी मालूमात में इजाफा हुआ।
और उस टूर के बाद हमें जावेद साहब ने जब वहाँ से निकले और हम आ रहे थे तो मशवरा भी दिया कि मियाँ देखो कोई कठिन बात नहीं है, वो 2 साल का मामला 8 महीने भी उन्होंने कहा हो सकता है। तो जावेद साहब अब हम चाहेंगे कि आपके तासुरात उस टूर के बाद और वहाँ जो मालूमात हम तीनों को मिली तो आपका जो भी कमेंट्स हैं उस पर। यहाँ पे आगा खान फाउंडेशन के मतवाले भी हैं, वहाँ के मेंबर्स भी हैं, वॉलंटियर्स भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने ख्यालात आपके वहाँ के टूर के बाद जो हैं हम इन सब तक पहुँचाएँ। नहीं, बहुत खुशी हुई मुझे जाके, मैं तो रिलीजियस आदमी नहीं हूँ लेकिन वहाँ का इंतज़ाम, वहाँ का जो तरीका है, जो कर रहे हैं वो लोग, और मुझे लगता है कि दे आर रियली अंडर पब्लिसाइज। बहुत सारी बातें जो मुझे नहीं मालूम, हालांकि मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पर तो बहुत बड़ा इस्माइली फ़िरका है, बहुत लोग हैं वहाँ और उनमें से बहुतों से मुलाकात भी है मेरी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कितना ये सोशल वर्क और डिफरेंट फ्रंट पर कितना काम कर रहे हैं। फिर जो हमारी गाइड थी वो एक लड़की थी जो हमें सब बता रही थी वहाँ पर, जहाँ मालूम हुआ कि जो जमा थाना है, जो इबादत जहाँ होती है, मैं तो अंदर एंटर नहीं हुआ, मैंने बाहर से ही देखा, लेकिन ये उन्होंने बताया कि यहाँ 2 मर्द 2 औरतें हैं जो यहाँ लेक्चर देते हैं, बात देते हैं, बताते हैं। तो एक बहुत जेंडर इक्वालिटी मुझे दिखाई दी, और जो लड़कियाँ वहाँ थी जो वहाँ वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, वो भी एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और पॉलिश्ड और बहुत ही आउटगोइंग लगी मुझे, यहाँ कोई टिमिडिटी उनमें मुझे नहीं दिखाई दी। तो बहुत अच्छा लगा उन लोग से मिलके, सबसे ही, और जो बहुत यंग साहब हैं जो सब कुछ लीड कर रहे हैं वहाँ, इधर एक्सेप्शनली यंग पर्सन, मैं तो सोच रहा था किसी बड़े बूढ़े से मुलाकात होगी, लेकिन बहुत अच्छा तासुर मेरे जहन पे बना। और एक एथीस किसी रिलीजियस जगह जाके इम्प्रेस होके आए, मामूली बात नहीं है। ऐसा करते हैं 2-3 चक्कर और लगाइए वहाँ के। अजीज प्रेसिडेंट का क्या नाम था जो हम जिनसे हम मिले थे, फैसल नाम था जिन्होंने आपको टूर दिया? हाँ, वेरी यंग एंड हैंडसम मैन, बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत इम्प्रेशन जो है आमतौर से होता ना कि आप ऐसी जगह जाएंगे तो कुछ बड़े पुराने ख्याल के, कुछ अजीब चिड़चिड़े से लोग, ये ख्याल यही आता है आपको, और वो होलियर देन थाउ एटीट्यूड होगा उनका, और बताएंगे कि बाकी समाज में अखलाकी गिरावट कितनी हो चुकी है वगैरह वगैरह, तो आप वहाँ से डिप्रेस ही निकलेंगे। लेकिन यहाँ जाके मुझे इंतहाई खुशी हुई, और मैंने इनसे ये कहा कि भैया मैं तो इन चीज़ों से बाहर हूँ, लेकिन आप तो मजहबी आदमी हैं, तो 1.5-2 साल की ट्रेनिंग होती है, आप हो सकते हैं इस्माइली, मैंने मालूम कर लिया, ज़रा भले लोगों में रहिए, क्या हाल है। ये इस पे सोच रहे, प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग इज कंडेंस्ड टू फ्यू मंथ्स। तो अब हम आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प वाक़े की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर दैट टूर वंस अगेन, थैंक यू। ये एक वाकया है और जो कि बहुत अनहोना सा वाकया है, सुना हुआ है, लेकिन यहाँ जो हमारे आज के ऑडियंस हैं कि आप वहाँ पहुँचे कैसे और कहाँ से गए, कैसे गए, फैज साहब से पहली मुलाकात का वाकया अगर आज हो जाए तो लुत्फ आ जाए। मैं इतनी बार सुना चुका हूँ ये स्टेज पे कि थकनी हो जाती है, लंबा वाकया, वो आप लोग उस पर चले जाइएगा, आप यूट्यूब पे उसमें है, मैंने बोला हुआ है यूट्यूब। जावेद भाई कंडेंस्ड वर्जन खाली पहुंचने का, पहुंचने तक सुना दीजिए। अरे भाई बड़ी मेहनत है, चलिए अब सुना दे, उसके बाद आप प्लीज ओपन इट टू द हाउस, वी आर गोइंग देयर। जी हाँ, ऐसा तो खैर कई बार किया है मैंने। जी वो क्या था कि वो एक शेर है कि ये इत्तेफाक तो देखो कि जब बाहर आई, हमारे जोश जुनू का वही ज़माना था। तो अब ये बात है 1968 की,
68 में मेरा यह आलम था कि मेरे पास घर नहीं था, मैं एक स्टूडियो में, कमाल स्टूडियो जो था कमाल अमरोही साहब का, उसके ही कंपाउंड में सोता था, कभी किसी कॉरिडोर में, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी बेंच पे। पैसा भी नहीं था बिल्कुल, कभी काम मिलता था कभी नहीं मिलता था, तो हालात ज़रा दिगरगुं ही थे, वो एक तेरे आने से पहले वाले हाल थे। तो मालूम हुआ फैसला बार तशरीफ़ ला रहे हैं 68 में मुंबई, तो और उनका वहाँ एक जगह है, वहाँ मुशारा हो रहा है मरीन ड्राइव के पास, तो हमारे पास तो मरीन ड्राइव तक जाने का भी पैसे नहीं थे कि बस में या लोकल ट्रेन में वहाँ तक चले जाए, वहाँ मुशारे का टिकट ख़रीदना तो दूर की बात, तो बड़ा दुखी था। उस ज़माने में प्रोहिबिशन था बम्बई में, तो छोटे छोटे ठर्रे की दुकानें होती थीं, तो हम लोग तो ठर्रे ही अफोर्ड कर सकते थे, और हम तो नहीं कर सकते थे, कोई करता था तो हम पी लेते थे अगर कोई अफोर्ड कर पाता था तो मैं शराब पिया करता था उस ज़माने, अब नहीं पीता हूँ। तो वो कहीं बैठे थे और बहुत अपने ऊपर मुझे तरस आ रहा था कि देखिए क्या हालात है, फैज अहमद फैज में बम्बई में और मैं जाके मुशारा तक नहीं सुन सकता, और इस बीच में ठर्रा भी पिए जा रहा था किसी के खर्चे पे। उसके बाद क्या होता है कि एक अजीब खुद एतमादी आदमी में आ जाती है जब वो नशे में होता है, तो मैंने कहा नहीं भाई ये कैसे होगा, तो मैं तो जाता हूँ। तो मैं गया, लोकल ट्रेन थी अंधेरी की, बगैर टिकट के बैठ गया, टिकट के पैसे भी नहीं थे। वहाँ जो अपना मरीन लाइन का स्टेशन था उस पर उतर गया, और काफ़ी लेट नाइट हो गई इसलिए कि कोई वहाँ चेक भी करने वाला नहीं था, तो मैं बाहर निकल गया। पैदल चलते चलते रंग भवन जो जगह है जहाँ मुशारा था, मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ भी गेट पे कोई नहीं, इसलिए कि शायद मुशारा बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल पे था। तो मैं अंदर चला गया और पीछे बैठ गया। आप लोगों में से जो लोग शराब पीते हो जानते हैं कि शराब पी जब आप ज़्यादा पी लेते हैं तो बहरे भी हो जाते हैं, तो आपको ठीक से कुछ सुनाई भी नहीं देता, तो मुझे कुछ ठीक से सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो मैं उठा और टहलता हुआ आगे गया, और जो साइड से दरवाज़ा था स्टेज पे जाने का उधर गया, और पीछे काफ़ी लोग 25-30-40 लोग बैठे थे, मैं भी बैठ गया, वहाँ गाँव तकिए रखे हुए। अब मुझे धीरे धीरे करके गाँव तकिए से जो टिका तो नींद आ गई, बस हो गया। जब आँख खुली तो मुशायरा ख़त्म हो चुका था, मैंने किसी शायर को नहीं सुना, और लोग जा रहे थे, तो मैं उठा स्टेज पे ही था, मैंने तो देखा तो दूर फैज साहब जा रहे हैं, और कुछ 40-50 उनके मदा उनके साथ एक क्राउड चल रहा है, और वो कार दूर है। तो मैं जल्दी से कूद के स्टेज पे गया, और मैंने वो जो वॉलंटियर था बुरी तरह उसे डांटा, मैं क्या है आप ज़रा क्या कर रहे हैं, ये भीड़ क्यों, हटाइए इन लोगों को पीछे, आइए फैज साहब। तो मैं फैज साहब को कार में बिठाया और दूसरी तरफ से खुद बैठ गया, सामने ड्राइवर था, एक वॉलेंटियर बैठ गया, तो चलो गाड़ी निकालो, तो गाड़ी चल पड़ी। अब मैं और फैज साहब पीछे बैठे, तो मैंने कहा फैज साहब यहाँ तो बहुत बेचैन थे लोग आपसे मिलने के लिए और आपको सुनने के लिए, कितना अर्सा हो गया आपका। कहले हाँ मियाँ हम भी आना चाहते थे, मियाँ मुझे बोल रहे, नाम तो मालूम नहीं उन्हें। तो हम वहाँ पहुँच गए उनको होटल पर जहाँ वो ठहरे थे गुलमर्ग, तो नीचे उतरे तो वॉलंटियर जो है वो मुझसे डर गया था, मैं तो उसे बहुत डांटा था, तो वॉलंटियर कहता है साहब गाड़ी रखनी है छोड़ दे। तो मैंने फैज साहब गाड़ी रखें जाने दें, तो फैज साहब जाने दिए मियाँ आप तो कहीं जाना नहीं है, मैं चलिए आप जाइए। हम अंदर गए तो कह ले मियाँ काउंटर से चाबी ले लीजिए, तो मैं गया, मैंने फैज साहब की स्विच की चाबी दीजिए, ऊपर गए दरवाज़ा खुला, तो वहाँ एक विस्की की बॉटल भी रखी थी, पहले कि ऐसा कीजिए कि कुछ सोडा और ग्लास व्लास मंगवा लें आप। मैंने रूम सर्विस को फ़ोन कर मंगा ली, दो पैक बनाए, एक उन्हें दिया एक सोच लिया, बैठ के उर्दू की स्क्रिप्ट पे गुफ्तगु शुरू की मैंने उनसे कि उर्दू साहब ये फैज साहब उर्दू की स्क्रिप्ट दुश्वार नहीं है क्या, अब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू। इतने में सरदार जाफरी और मजनू सुल्तानपुरी एंटर हुए, हमारी गुफ्तगु चल रही थी उस वक्त, तो वो सोचे भाई जानते ही होगा ये मुझे पहचानते थे, तो वो भी बैठ गए। अच्छा अब मैं वहाँ सबको सर्व कर रहा हूँ, मेरे से बड़े हैं, और उनकी बॉटल लेके सबको ग्लासेस बना के दे रहा हूँ, उनमें पी रहा हूँ। ठहरने के बाद कभी मत पीजिएगा विस्की बहुत ज़्यादा, बाकी आपकी जैसी मर्जी हो। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़ोर से नींद आने लगी, तो मैंने कहा अच्छा ये मियाँ मुझे बोल रहे हैं,
मियाँ ये ग्लास ज़रा इन्हें भी दे दीजिए, वो थोड़ा इनको दिए मियाँ, तो ये सब हो रहा था। तो मैंने कहा फैसला मैं अब सोता हूँ। हाँ मियाँ आप सो जाइए। तो मैं अंदर गया, शुक्र के बाद दो दो पलग अलग अलग दो बेड थे, सिंगल बेड दो, स्वीट था, तो मैं एक पे सो गया। अभी तक तो कोई बात ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो एक कहते ना कि राजा जो है वो हाथी पे जा रहा था, तो सामने ड्रम का खड़ा हुआ तो था, रोको ये हाथी मुझे ख़रीदना है, कितने का? तो राजा ने कहा इसे बंद कर दो, सुबह बात करूँगा। बंद कर दिया। सुबह तक तो नशा उतर चुका था उसका। तो राजा ने फिर बुलाया कि भाई तुम मेरा हाथी ख़रीदना चाह रहे थे तो अभी बात कर लेते हैं। कहे नहीं साहब, वो जो हाथी ख़रीदना चाह रहे थे वो रात को ही चले गए। तो मेरा भी यही हुआ, जो हाथी खरीद रहे थे वो तो जा चुके थे। अब मैं सफ़ेद चादर ओढ़े हुआ हूँ, आवाज़ों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो थी कुलसुम सियानी या अमीन सियानी की वालदा थी, अमीन सियानी बहुत मशहूर वो थे ना कॉम्पेयर, तो उनकी वालदा थी जिन्होंने अरेंज किया था उसको, अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। तो नहीं, मुझे तो मालूम हुआ कि आपको NOC ही नहीं मिल रहा है, तो मैंने तो अयूब साहब को फ़ोन किया, तो ये कौन सा सो रहे हैं? तो फैज साहब ने कहा तो ये नहीं, वो ये जो हैं वो अयूब साहब, तो खैर मेरी भी बात हुई थी। तो और मैंने कहा कि भाई मुझे जाना है कल, नहीं आपको NOC मिले? अच्छा अच्छा, इसलिए कि यहाँ लोगों में इतना इश्तियाक था और इतने बेचैन थे लोग आपको सुनने के लिए, कौन है ये? तो ये जो हैं, अरे भाई हम भी बहुत बेताब थे आने के लिए। तो मुस्तकिल वो सवाल कर रही हो, मुस्तकिल ये वेट कर रहे कि ये क्या बताऊँ कौन है ये। तो अब ये मैं साफ सुन रहा हूँ, और वहाँ पर उनके साथ पूरा इंग्लिश मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसलिए वो बोला सर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का हूँ, ये पूछना चाह रहा सर मैं इंडियन एक्सप्रेस, तो मतलब पूरा इंग्लिश प्रेस वहाँ बैठा है बेडरूम के अंदर, ये बेड पे हैं, और लेडी कुलसुम ये जानना चाह रही है कि चादर के अंदर कौन। तो अब तो ये निकला कैसे जाए भाई यहाँ से? तो मैं बगैर कोई नोटिस दिए होता ना, आदमी ज़रा कस बताए करवट ली हो तो आपका ध्यान जाता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कहाँ तो मैं बिल्कुल बेहिसो हरकत था, धाम से उठा मैं, फैसा मैं चलूँ कहें हम ही आप जाइए, मैं बाहर। अच्छा अब ये शुक्र है कि मेरी एक दो तीन साल के बाद मुलाकात सलीमा हाशमी जो उनकी बेटी हैं उनके कराची में हुई। मैं कराची लिटरेरी फेस्टिवल में गया था, तो मैंने उन्हें एक किस्सा सुनाया, बड़ी हंसी के नहीं, इट्स सो टिपिकल ऑफ माय फादर, कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि पूछते कि तुम हो कौन, ये उन्हें तहजीब के खिलाफ रहे। तो फिर वो गई, उन्होंने अपने वालिद से पूछा, तो वालिद जो थे उन्होंने साहब झूठ बोल दिया, नहीं नहीं मैं तो उसे पहचान गया था, देखो आप मुझे कौन पहचान गए थे भाई, मैं कौन हूँ? तो शुक्र ये है कि वो कंफर्म हो गया, वरना अगर नहीं होता और उससे पहले उनका इंतकाल होता और मैं बाद में सुना था तो कोई मानता भी नहीं कि ऐसा हुआ। तो ये हिसाब हमारी पहली, और देखिए कैसे ज़िंदगी करवट लेती है कि अगली बार जब वो आए तो आई थिंक दैट वॉज 1978, 10 ईयर, और फिर वो मेरे घर आए, हमने उनकी दावत की और सारे शायर उस वक्त इत्तेफाक से मौजूद थे वहाँ बॉम्बे में, इसलिए कि कोई लिटरेरी कॉन्फ्रेंस थी, मोइन अहसन जज्बी साहब जो कि लोग नहीं रहते थे वहाँ पर, वो शायर भी थे, तो उन सबको मैंने बुलाया, और उनका जो फ़न और शख्सियत की जो एक स्पेशल एडिशन फैज नंबर निकला था वो मेरे घर पे ही रिलीज हुआ। तो कभी कुछ होता है कभी कभी कुछ, ज़िंदगी ऐसी है। फिर उन्होंने जब वापस गए तो उन्होंने अपनी किताब मुझे भेजी दस्तखत के साथ, जादू मियाँ के लिए बहुत मोहब्बत के साथ फैज, वो मैंने बड़ी संभाल के रखी हुई, और जो लोग जानते हैं थोड़ी बहुत भी शायरी उन्हें वो किताब दूर से दिखा के इम्प्रेस करता हूँ। जावेद साहब, आपका छर्रे से विस्की तक का जो सफर है, बेघरी से बेघरी से घर तक का जो सफर है, 31st of July आई टुक एन ओथ दैट आई विल नेवर टच अल्कोहल, और मैंने कभी एक सिप भी नहीं लिया 91 से।
और मैं तो कभी भी जो यंग लोगों से बात होती है, स्टूडेंट से या किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि मैंने अपनी ग्रोन अप एज में कोई गलती, मेजर गलती शराब पिए बगैर नहीं की है। जो आदमी नहीं पीता है वो एक सर्टन एडवांटेज पे है उसके मुकाबले में जो दो पैग भी पीता हो, थोड़ा सा एडवांटेज है उस आदमी को जो शराब नहीं पीता। और ये एडवांटेज आपके पास रहे तो बहुत अच्छी बात है। जावेद साहब, मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन फिर हम लेंगे सवाल कि फैज साहब से पहली मुलाकात और उसके बाद जब वो घर पे आपके आए, उसके दरमियान का जो सफ़र है वो हमसे शेयर कर लीजिए। अरे सर, वो क्या है, मुख्तसरन दो बातें बताऊँ आपको। जैसे आदमी को अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपने ताकत पे नाज नहीं करना चाहिए और ये बड़ी कमदर्शी की बात होगी कि करे, उसी तरह से अपनी नाकामी, अपनी महरूमी, अपनी गरीबी, अपनी तकलीफ को भी मेडल बना के सीने पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, वो फैज का ही मिसरा सुनाऊंगा, इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी। कौन सी बड़ी बात, मैं जिस स्टेज में था, जिन हालात में था, कई साल, एक दो दिन नहीं, आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं जो उन्हीं हालात में होंगे, मगर मैं क्या गिला करूं और क्या उसको रोऊंगी, इसलिए कि मैं ग्रैंड टोटल अपना देखता हूं तो ठीक है, मैं प्रॉफिट में हूं, तो मुझे फिर शिकायत नहीं करनी चाहिए। जावेद साहब, शिकायत का सिलसिला नहीं, हमारा सवाल ये था कि हमने पहली दफ़ा ह्यूस्टन में एक अदबी महफिल में इस कदर यंग बच्चे बच्चियों को देखा है। एंड तमाम हाथ खड़े हुए, हमारी बेटी मौजूद, हमारी तो यहाँ पे एक 8 साल की बच्ची भी है। अरे तो उसमें क्या हुआ, हम खुद 8 साल के रह चुके हैं, कौन सी बड़ी बात है। मेरी बच्ची 8 साल की थी तो हम भी थे भाई कभी। हम ये चाहते थे कि आप एक सेल्फ मेड इंसान हैं, आपने इतनी स्ट्रगल की और आप कहाँ तक पहुँचे, तो थोड़ा सा सफर शेयर कर लीजिए बच्चों के साथ। सेल्फ मेड में मैं बताऊँ, सेल्फ मेड जो है उसमें वो देख लेना ना, वो डॉक्यूमेंट्री तो उसमें है जी। सेल्फ मेड में एक पिक्चर थी, मेरी बेटी जोया ने बनाई थी, जो पहली फिल्म बनाई थी उसने लग बाई चांस उसके डायलॉग मुझसे लिखवाए थे, क्योंकि उसमें ये जो 60s 70s के जैसे प्रोड्यूसर होते थे और जो फिल्म इंडस्ट्री के बात करने का तरीका था उनका, यू नो इट बेटर, तो आप इसके डायलॉग लिख दिए, तो मैंने लिख दिए। उसके बाद उसने मुझसे डायलॉग नहीं लिखवाया अपनी अगली पिक्चर में। फिर एक पिक्चर बना रही थी जिसमें कम से कम ये यंगस्टर ने जरूर देखी होगी, दिल धड़कने दो, उसमें एक कुत्ता था जो एक कमेंट्रेटर था, एक्टर का, ही वॉज द रावी जिसे उर्दू में कहते हैं, तो वो हर सिचुएशन पे और हर कैरेक्टर पे वो कुत्ता कमेंट करता था, तो पूरे डायलॉग तो उसने खुद लिख के कुत्ते के मुझसे लिखवाए। तो आज तक मैं सोचता हूँ कि उसने मुझ में ऐसा क्या देखा था, मेरी बेटी ने, कि उसने सोचा कि मेरे बाप से बेहतर कुत्ते के डायलॉग तो कोई नहीं। तो उसमें एक कुत्ते का डायलॉग ये भी था, जब अनिल कपूर का इंट्रोडक्शन दे रहा है कुत्ता, कि ये जो है ये एक सेल्फ मेड आदमी है, यानी इन्होंने अपने आप को खुद ही बनाया है। तो मैं सोचता हूँ, कुत्ता कह रहा है कि अगर इन्होंने अपने आप को खुद ही बनाया है तो थोड़ा बेहतर बना लेते। अच्छा, इतना भी क्या सेल्फ मेड जो होता है, ऐसी कोई थोड़ी थी कि दो चॉइस थी मेरे पास कि या मैं सेल्फ मेड बनूं या मेरे जो सब घर वाले हैं मुझे बना देंगे, ऐसी तो कोई चॉइस थी नहीं। तो अब भाई वो अलग बात है, महात्मा बुद्ध महल छोड़ के चले गए थे जंगलों में, हम तो कोई महल ही नहीं था, तो हम कहाँ जाते, हम तो जंगल में ही थे। तो ऐसी कोई बहुत, मतलब ये कोई मेरा अपना फैसला नहीं था कि अब मैं सेल्फ मेड बनूंगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। तो उसमें कोई मेरी आप दादा
तारीफ न कीजिए। चलिए आप देखिए भाई, यंग पीपल से कहिए कुछ जी। यहाँ से यहाँ यंग लोग भी बहुत हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे बासिर जलीली साहब जो हैं वो तशरीफ लाएं और सवालात। नहीं नहीं हम वहीं से कर लीजिए, उसमें क्या है, माइक है उनको दे दीजिए, माइक्रोफोन अगर पहुँचा दें। माइक्रोफोन्स, आई नीड माइक्रोफोन्स टू। टेबल नंबर 22 पे जेबा हैं, एज नहीं लिखी उन्होंने यहाँ अपनी। वो पूछ रही हैं कि व्हाट मेक्स यू स्माइल। मैं कहाँ है जेबा? टेबल 22 जेबा। हाँ मुझे भी इन्होंने ऐसे बोला टेबल नंबर 22, जैसे कि मैं तो अक्सर उसी टेबल पे बैठता हूँ। तो मैं तो जानता ही होऊंगा कि टेबल नंबर 22 कौन सी है, सामने है। आज का दिन तो दूसरा, आज सवाल ये विल समथिंग विल मेक यू स्माइली। सवाल ये है, चलिए दूसरा सवाल। जी नहीं 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 ऐसा की कोई जरूरत नहीं है, सूरज देखा। बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे, उसकी वजह से मुझे मुख्तसर जवाब देने पड़े। जी जी, रोहित टेबल नंबर 17, वेयर इज रोहित जी? राइट जी, बोलिए। माइक दे दीजिए उन्हें। ये सैन फ्रांसिस्को से आए हैं। व्हाई डोंट यू कम फॉरवर्ड प्लीज। चलो, प्यार मुझे जो किया। जी 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 तू मेरे साथ कोई और परेशान रहे जिंदगी, इस बंद में था वो मिसरा जिसमें मैंने वो देखिए क्या होता है कि कभी कभी जो बड़े टेक्निकल सी बात है, साकित हर्फ होते हैं, लव जो हिल नहीं रहा आपकी जगह, वो मीटर के चक्कर में वो हिल जाता है और उसमें ऐसा लगता है एक चुपके से ये लग रही है। वो एक लव मेहरबान, तो अब मेहरबान गलत लफ्ज है, मेहरबान मेहर नहीं है। तो मैंने जो दूसरी लाइन लिखी थी कि क्यों मेरे साथ कोई और परेशान रहे जिंदगी, तुम पे तो क्या चाहता मेहरबान रहे, तो मेहरबान वो लिख तो दिया उस वक्त, मुझे फौरन बाद में रिकॉर्डिंग ख्याल आया कि गलत है, ये मेहरबान है तो मेहर नहीं हो सकता। तो उसको मैंने दोबारा दूसरी लाइन, आसान रहे तो जिंदगी का ये सफ़र तुम पे तो आसान रहे, ये कर दिया मेहरबान निकाल के। ये मुझे आपने याद दिलाया, मैं भूल गया था। ये सैन फ्रांसिस्को से फ्लाइट लेके आए थे सिर्फ सवाल करने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है, और सवाल तो इंटरेस्टिंग है लेकिन जिन्होंने सवाल किया है हमें उन पे हैरत है कि वो अभी तक अनारकली ढूंढ रहे हैं। तो सवाल है हमारे डॉक्टर आसिफ कदीर साहब का। डॉक्टर साहब अगर आप, कैन यू प्लीज स्टैंड फॉर सेकंड, ये पूछते हैं कि अनारकली क्या कहानी है या हकीकत है? अनारकली कहानी है, और ये इम्तियाज़ अली ताज एक साहब थे जो 26 साल की उम्र के थे, लाहौर में रहते थे। अनारकली की तो कब्र है, अनारकली बाज़ार के इसका नाम है, वो वहाँ से साइकिल पे जाया करते थे, और 26 साल के लड़के को ख्याल आया कि इस पर कहानी बनाई। इतना जो है हिस्ट्री में आपको बहुत ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कि एक कोई सिंगर थी अकबर के ज़माने में। अब वो कोर्ट सिंगर थी कि नहीं थी ये भी नहीं मालूम ठीक से, मगर सिंगर थी जो बड़ी मशहूर थी, वो बड़ी पॉपुलर थी, मकबूल थी, और उसकी वो कब्र है वहाँ पर। ये जो पूरा के सलीम से उसका रोमांस हुआ और बाप और बेटे में इस सिलसिले में जंग हो गई,
और सब कुछ हुआ, उसके बाद बाप ने उसे दीवार में चुनवा दिया। अभी चुनवा दिया तो कमर कहते हैं। तो ये सब ये एक जहन की अख्तरा इम्तियाज अली ताज की। उनकी बीवी भी बहुत बड़ी राइटर थी, हिजाब इम्तियाज अली। तो ये और ये कुछ पहली दहाई में या दूसरी दहाई मैक्सिमम 1911-1912 में ये प्ले लिखा गया। ये फिर स्टेज हुआ और ये बेहद पॉपुलर हो गया, सुपर हिट प्ले था। फिर उस पर 1953 में फिल्म बनाई गई जिसमें प्रदीप कुमार और बीना रॉय थे, और उसके बाद मुगल आजम बनी। और ये मतलब ऐसा लगा कि हद ये है कि ये 20वीं सदी की कहानी है, ये 20वीं सदी में लिखी गई है। लेकिन क्या उसका जादू है कि वो ऐसी इस्टेब्लिश हो गई और लोगों की शऊर और लाशऊर में चली गई कि वो अब हिस्ट्री लगती है। ये कोई एक अनारकली के लिए कोई जंग बंग नहीं करता है। दयाल का सवाल है, आप पूछ लिए खुद ही खड़े होकर। जावेद साहब, आप ही ने किया ना सवाल जी, तो फिर पढ़ के क्यों बोल रहे हैं? दो पैक के बाद जरूरत पड़ती है। अच्छा। तो हिंदी फिल्म में अगर तीन सबसे बेहतरीन भजन मेरी हिसाब से हैं, एक है मन तरपत हरिदर्शन को आज, जो कि शकील बेदानी साहब ने लिखा है। दूसरा है प्रभु तेरो नाम जो ध्याय फल पाए, जो कि साहिल लुधियानवी साहब ने लिखा है। और तीसरा है ओ पालन हारे निर्गुण और प्यारे, आपको मालूम है किसने लिखा है। तो मेरा सवाल यह है कि ये एक इत्तेफाक है कि जो सबसे बेहतरीन तीन भजन हिंदी फिल्म में मेरी हिसाब से हैं, वो तीनों मुस्लिम्स ने लिखे हैं। अब मैं सर आपको जो जवाब दूंगा, यहाँ बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको जवाब दूंगा। हिंदुस्तान में हर सोफिस्टिकेटेड हिंदू में कम से कम 40% मुसलमान है, और हर सोफिस्टिकेटेड मुसलमान में कम से कम 40% हिंदू। अगर नहीं है तो फिर एक कसाई है, दूसरा हींग बेचने वाला बनिया है। सोफिस्टिकेटेड तो हुई है। और मैं आपको बताऊं कि उर्दू की ये तारीख रही है कि उर्दू के शायर जब हिंदी लिखने बैठते हैं तो इतनी अच्छी हिंदी लिखते हैं कि इम्तियाज, इसलिए कि उनकी एक ट्रेनिंग है फोनेटिक्स की। मतलब जहाँ आपने अभी थोड़ी देर पहले एक साथ जिक्र सुना होगा कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने एडिट किया था दीवाने गालिब, तो उसमें एक शेर था जो नहायत अच्छा शेर था, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्ते इमकान को एक नक्शे पा पाया। ओ लॉर्ड वेयर इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन एम्बिशन, फॉर द स्फीयर ऑफ पॉसिबिलिटी इज ओनली इक्वल टू वन फुटप्रिंट। ये ऐसा लगता है स्पुटनिक के चले जाने के बाद गालिब ने शेर कहा, इतना इसमें वसत है। मगर ये शेर उनके दीवान में नहीं रहा, ये दूसरे सोर्सेस से मिल जाता है, इसलिए कि हमारे ग्रेट ग्रैंड ग्रैंडफादर मरहूम जो थे उन्होंने इतना अच्छा शेर काट दिया, मैं उनसे बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। पाप पाया, पाप पाया सम ठीक नहीं है, एक नक्शे पाप आया नहीं, पाप आया निकालो। तो इतने केयरफुल है उर्दू में लोग फोनेटिक्स। तो जब हिंदी लिखता है उर्दू शायर तो इतनी खूबसूरत लिखता है कि इम्तियाज। यही साहिल ने जो चित्र रेखा में गाने लिखे थे, क्या गाने थे, और हिंदी प्योर हिंदी। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे तू काहे न धीर धरे, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे,
जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे मन रे तू काहे न धीर धरे। जबान देखिए प्योर हिंदी है, मगर कितनी जेंटल, आपके कानों को कितनी अच्छी लगी। तो ये उर्दू का कमाल है। जावेद साहब, इसमें वो जो एक श्री कृष्ण पर आपने भजन लिखी थी, सब उसमें अल्फाज थे। ये लोग वापस टेक ओवर कर देते, आपने नोट किया है, बजाय इसके कि आपको मौका दें वापस बॉल जो है अपने कोर्ट में लेने। नहीं, इससे कनेक्टेड एक फिल्म बन रही थी युगांधर। युगांधर का मतलब जो युग को चेंज करे, एक नया दौर लाए, एक नया जमाना लाए, युग जी। तो मैं उसके गाने लिख रहा था, एन चंद्रा एक उसके डायरेक्टर थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उसके म्यूजिक डायरेक्टर। तो एक दिन मैं उनके म्यूजिक रूम पे गया, अगला गाना लिखना था, तो बैठे थे तो ज़रा कुछ अनकम्फर्टेबल से थे। तो मैंने पूछा, भाई क्या सिचुएशन है? नहीं, असल में क्या था, सोच रहे थे, ओरिजिनली तो नहीं थी ये सिचुएशन, लेकिन ऐसे ही जब काम करते बनते बनते ऐसा लगा फिल्म में कि हाँ ये अगर आ जाता तो अच्छा था, तुम क्या आ जाता? नहीं, वो असल में क्या, तो कुछ रैपे कह रहे हैं, खुल के बात नहीं कर रहे थे। मैं बताओ तो बात क्या है? तो कहने, नहीं हम लोग यहाँ सोच रहे थे कि अगर एक कृष्ण की आरती यहाँ, तो वो सोच रहे कितना भी काफिर हो, नाम तो जावेद अख्तर है इसका, पता नहीं है लिख पाएगा कि नहीं है, तो ये शायद किसी और से लिखवाना पड़े। तो मैंने कहा, पैसा कीजिए, ट्यून दे दीजिए, मैं लिख के लाऊंगा कुछ। उन्होंने दे दिया, वो कैसेट होते थे उस ज़माने में। तो मैं दूसरे दिन गाना लिख के गया लेके, और मैंने कहा, आपने मुझे जो ट्यून दी थी वो आरती की ट्यून नहीं थी, वो ट्यून गाने की थी। आरती जो होती है उसमें टूवर्ड्स द एंड एक क्लाइमेक्स आता है, ऊपर जाती है, तो वो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, उसे कंपोज आप कर दीजिएगा। तो कहने, क्या लिखा है? मैंने कहा, नहीं मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐसी बात नहीं लिखी, मैंने सिर्फ कृष्ण के नाम लिखे, पूरा जो क्लाइमेक्स है, जो उसका जो क्रेसेंडो है वो नाम से। तो पहले सुनाइए, तो मैं आपको सुना देता हूँ मैंने क्या लिखा था। वो कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कान मुरारी है गोपाल धन गोपाल दुख भंजन घनश्याम मटल बनवारी है। वो कुंज फिरैया सांवरिया लाला कान मुरारी है। वो कंस विनाशक महारथी सुदर्शन चक्रधारी है। सब रूप निराले हैं उसके हर लीला उसकी न्यारी है। वो गोपीनाथ मदन मोहन वो श्याम पीताम्बर आएगा आएगा युगांधर आएगा आएगा युगांधर। तो बड़े परेशान हुए, कहने लगे, ये आपको कैसे, इतने नाम कैसे मालूम है, हमें ही नहीं मालूम। मैंने कहा, इसकी दो वजह हैं, एक ये कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, दूसरे कि मैं उर्दू जानता हूँ। जावेद साहब, एक सवाल, आपने कहा कि यंग बच्चे बच्चियां नज़र नहीं आ रहे, एक यंग बच्ची का सवाल है कि एज अ फैन ऑफ ज़ोया अख्तर्स मूवीज, शी इज़ रियली शिफ्टिंग द ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क ऑफ बॉलीवुड, हाउ डू यू थिंक शी इज़ री इन्वेंटिंग द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री? एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट आई टेल यू शी इज ऑन ऑर्गेनाइजर्स टेबल, एंड इफ यू कैन स्टैंड प्लीज सना, just stand so he can see you that there is a young girl in the crowd. Yeah, I have spoken to her on the phone. So mera problem ye hai ki kai dafa main stage pe jata hu Zoya ke sath, to mujhe niche kehti hai, pa don't see one word in my praise because it embarrasses me to no end. Don't praise me. To आई अंडरस्टैंड दैट उसको अजीब लगता होगा कि बाप तारीफ कर रहा है, मगर अभी तो है नहीं। तो मैं जनरली, सर आप क्यों इसके लिए, आप खुद क्यों तशरीफ लाज में आ जाता? आई थिंक बहुत शौक है जवाब देने का। फैयाज भाई के लिए तालियां बजा दीजिए। तो
हकीकत यह है कि मैं आई जेन्युइनली इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट शी इज माय डॉटर आई कंसीडर हर अ वेरी गुड राइटर एक्चुअली अ बेटर राइटर देन माय सेल्फ ये सच्ची बात है एज अ राइटर बिकॉज शी इज द फर्स्ट पर्सन इन मेन स्ट्रीम सिनेमा वो आपको जो नॉन ट्रेडिशनल फिल्म है रियलिस्टिक पिक्चर है पैरेलल सिनेमा उसमें तो मिल जाएगा लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा में आपको इस तरह के कैरेक्टराइजेशन और इस तरह का थर्ड डायमेंशन कैरेक्टर्स का नहीं मिलेगा जो एक चीज़ है टुडेज वूमन अब भाई टुडेज वूमन क्या है किसी को पता ही नहीं है कुछ और ये तो मालूम हो गया कि मैं चुप रहूँगी नहीं चलेगा वो फ्रॉड 2-3 हज़ार साल चला है अब नहीं चलेगा लेकिन ये कि हु इज दिस मॉडर्न वूमन अब इसको डिफाइन करने में इवन इन सोसाइटी पीपल आर हेजिटेंट उसकी वजह यह है कि कंजर्वेटिव इसे डिफाइन नहीं करना चाहता कि इसमें तो बहुत यार टेरिटरी लूज कर जाएंगे हम तो इसका डेफिनेशन मत दो जो लिबरल है उसके अंदर ये फियर होता है कि मैंने अगर डिफाइन कर दिया इसके कंटोर्स बना दिए तो समबडी विल आउट लिबरल मी अच्छा तो आप बस इतना ही सोचते हैं आपको शर्म आनी चाहिए तो वो बेचारा डरा हुआ है कि पहले कोई और बोले फिर मैं बोलूँगा तो ये कुछ एक कन्फ्यूजन खुद लड़कियों में आज की जनरेशन में कन्फ्यूजन है कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट पूरी दुनिया में विमेन स्मोकर्स की तादाद बढ़ रही है और मेन स्मोकर्स की तादाद कम हो रही है पूरी दुनिया में नाउ इज दिस एम्पावरमेंट कि आप धुआं बाहर फेंक सकें इट्स सीरियस सिगरेट में क्या है अल्टीमेटली इन अ वे यू आर एक्सपैंडिंग योर पर्सनैलिटी बाय थ्रोइंग आउट दिस स्मोक भैया ये एम्पावरमेंट तुम अपने लंग्स की कॉस्ट पे क्यों कर रही हो ये क्या है तो कंफ्यूजन है यश चोपड़ा हु इज अ ट्रेडिशनलिस्ट वो गुजर गए वो एक खास मिजाज के और थोड़ी सी डिग्निटी और थोड़ा सा पुराना थोड़ा सा नया मिला के पिक्चर बनाते थे उनकी जो लास्ट फिल्म थी उसमें एक डायलॉग है बड़ी संजीदा बात है उसमें हीरोइन कहती है कि मैं शादी करूँगी लेकिन दुनिया में जितनी नेशनलिटीज हैं उनमें हर नेशनलिटी के एक आदमी के साथ सोने के बाद अरे भाई तू एम्पावरमेंट के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है इट्स हार्ड वर्क तो ये किस्सा क्या है कि कोई डिफाइन ही कर पा रहा है कि हु इज अ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एम्पावर्ड इंडिविजुअलिस्टिक वुमन व्हाट आर हर लाइंस अराउंड हर इज देयर एनी लाइन और नो लाइन एट ऑल व्हाट इज मॉरल व्हाट इज इमोरल अकॉर्डिंग टू हर डेफिनेशन नोबडी इज क्लियर और इसमें अजीब अजीब बेवकूफियाँ होती रहती हैं कन्फ्यूजन है वो पुराना डेबरी पड़ा हुआ है वो तो टूट गया वो फ्रॉड नहीं चलेगा लेकिन नया क्या है वो अभी तक बन रहा है और बन जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा ये पूरी नई डिफिनेशन आपको तैयार करनी है मुझे हिंदी सिनेमा में मेन स्ट्रीम सिनेमा में अगर कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इम्पार्ट थिंकिंग इंटेलिजेंट सेंसिबल औरत कभी दिखाई देती है तो सिर्फ दो है की फिल्मों आप उसकी फिल्में देख लीजिए और उसके जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको देख लो गौर से देखो दे आर द ओनली कंटेम्प्रेरी सेंसिबल मॉडर्न इंटेलिजेंट वुमेन विद एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग तो ये समथिंग दैट हैज टू बी हाईली अप्रिशिएटेड एंड एडमायर्ड थैंक यू जावेद साहब टेबल 9 से क्वेश्चन है मकबूल साहब का मकबूल साहब ये के what do you see as the future of Urdu? और future Urdu का जो है वो सवाल उन्होंने अंग्रेजी में किया है आपसे तो अब थोड़ा सा तो फ्यूचर इस सवाल में ही हो असल में क्या है मैं पाकिस्तान के बारे में इतना नहीं जानता हूँ लेकिन हिंदुस्तान के बारे में आपको कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ और मुझे लगता है कि चूँकि ये ठीक बात नहीं है तो ये पाकिस्तान में भी होगी इसलिए कि हम लोग बाकी कुछ शेयर करें ना करें गलतियां शेयर खूब करते हैं तो हमारे यहाँ क्या है और जिसका किसी को ध्यान नहीं है हमारी सोसाइटी
यहाँ अमीर और गरीब में बट रही है, वहाँ लैंग्वेज के बेसिस पे भी बट रही है। और ये सानहा सिर्फ उर्दू के साथ नहीं है, ये सारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस के साथ है हिंदुस्तान में। एनीबडी हु कैन स्टैंड अप ऑन हिज और हर टोज टू सेंड द चाइल्ड टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल डस सो। तो फिर ये वर्नाकुलर जो स्कूल है उनमें कौन जाता है? उसमें पुअरेस्ट पुअर जाता है, चाहे वो उर्दू का हो या हिंदी का हो या गुजराती का हो या मराठी का हो या तमिल, कोई वहाँ इंतहाई गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं। तो आपकी ज़बान वहाँ पल रही है उन स्लम्स में, उन बस्तियों में जहाँ जिंदगी बहुत कड़वी और बदसूरत है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स। पानी की तरह होती है ज़बान, जिस बर्तन में डाल दीजिए वैसी हो जाती है, जैसे पानी हो जाता है। अब जब ज़बान ऐसी जगह पलेगी जहाँ सिर्फ मुश्किलें हैं, मसूसी है ज़िंदगी की, तलखी है, तो ज़बान कैसे सॉफ्ट रहेगी और सफिस्टिकेटेड रहेगी? नहीं हो सकता। तो ये ज़बान वहाँ ये रूप इख्तियार कर रही है। ये बाकी जो है ये अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, अंग्रेज़ी में ड्रीम करते हैं, अंग्रेज़ी लिखते हैं। अब अगर ये मास मीडिया में आते हैं, वेदर इट इज सिनेमा और एडवर्टाइजमेंट और मे बी पॉलिटिक्स और वॉट एवर, वेयर दे हैव टू कम्युनिकेट विद द एवरेज पर्सन। नाउ द एवरेज पर्सन इज द पुअर पर्सन हु हैड गॉन टू द वर्नाकुलर स्कूल। तो इन्हें पहली दफ़ा वर्नाकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या, अरे भाई हमें हिंदी में फिल्म बनानी है, दे देखो कहाँ है ये लैंग्वेज है कहाँ? तो वो स्लम में मिलती है, वहाँ से लैंग्वेज लाते हैं और उसे फिल्म में, एडवर्टाइजमेंट में, स्पीचेस में यूज़ करते हैं। इस यूसेज से उस ज़बान को जिसमें काफ़ी इंडिसेंसी आ गई है, एक रिस्पेक्ट मिल जाती है, इसमें क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। तो इस तरह से हमारी जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं या तो ख़त्म हो रही हैं या घटिया हो रही हैं। This is what is happening and which is very sad because you cut a child from a language, the child gets cut from a culture, from a tradition, from a history. Because language is the vehicle in which the culture moves. आपकी ज़बान आपने काट दी तो कल्चर से भी कट गया। तो हमारा क्या हो रहा है कि हम दो तरह के बच्चे पाल रहे हैं। मुझे मालूम नहीं, पाकिस्तान के बारे में मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, मुझे इतना नहीं वहाँ का। देखिए मेरा ध्यान भटक जाएगा, हाथ नहीं लाइए तो खातून जरा मुझे हम लेते हैं, सवाल लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस प्लीज, थोड़ा आप जवाब ले लें पहले। तो हो ये रहा है कि जो बच्चे वर्नाकुलर हैं दे आर रूटेड, उन्हें अपनी फोक आर्ट का, फोक म्यूज़िक का, फोक गीतों का, माइथोलॉजी का कुछ पता होता है। मतलब एक्सेप्शन दोनों तरफ हैं लेकिन जनरली ये जो बच्चा पढ़ा है इंग्लिश स्कूल में, इसके अंदर एक मॉडर्निटी, एक यूनिवर्सैलिटी, एक बिगर थिंकिंग, जो दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के वैल्यू सिस्टम क्या है, ये उसमें मॉडर्निटी आती है और ब्रॉड माइंडेडनेस भी आती है। फिर मैं कहूँगा एक्सेप्शन तो ऑलवेज है लेकिन रूल ये है। तो आप कर क्या रहे हैं कि कहीं आप जड़ें बना रहे हैं और कहीं आप शाखें बना रहे हैं, पूरा पेड़ है ही नहीं। पूरे पेड़ के लिए जड़ें भी चाहिए, तना भी चाहिए और फैलती हुई शाखें भी चाहिए, तब पेड़ बनता है। तो हम लोग जड़ें और शाखें बना रहे हैं, दोनों नामुकम्मल है। जायद भाई, ये पर्ची जो वो ख़ुद उठ के आए थे, हमारे चेयरमैन साहब हैं फैयाज मर्चेंट साहब, इस कदर वज़नी पर्ची लेके आए और जिन्होंने भी इन्हें ये पर्ची दी है उन्होंने इनके हाथ इसलिए भेजी कि उन्होंने इस पे 5 सवाल लिख के भेजे हमें, तो बात तो बनती है कि फैयाज भाई लेके आए। खासे जो शुरू के सवाल हैं उनके जवाब आप दे चुके हैं। इज़ द लैक ऑफ उर्दू स्क्रिप्ट नॉलेज ए हैंडीकैप? Is Urdu poetry in Devanagari acceptable to you? Why not? ऐसा कुछ नहीं है।
और हिंदुस्तान में तो उर्दू शायरी और कुछ इवन पाकिस्तान के पोइट जैसे जॉन एलिया या सो पॉपुलर, और उर्दू शायरी इतनी बिग थी कि कोई हद नहीं है, और वो देवनागरी में होती है। मेरी किताब तरकश के अब तक कोई हर 27-28 एडिशन निकल चुके हैं, और वो हिंदी में थे, उर्दू में भी हैं मगर आधे भी नहीं है एडिशन है उसके, इसमें इतने हैं। तो देखिए एक बात है, लैंग्वेज है क्या, लैंग्वेज क्या अपनी स्क्रिप्ट है, तो फिर यूरोप की तो आधी लैंग्वेज लैटिन होनी चाहिए, इसलिए कि अंग्रेजी की जो स्क्रिप्ट है वो तो लैटिन है, फ्रेंच की स्क्रिप्ट जो है वो लैटिन है, जर्मन की जो स्क्रिप्ट है वो लैटिन है, ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है, ये लैटिन से ली गई है, रोमन स्क्रिप्ट। मगर अंग्रेजी और फ्रेंच और जर्मन में फ़र्क है, तो स्क्रिप्ट नहीं है। हमारे बरसग़ीर में लीजिए तो पंजाबी उर्दू रस्म अल ख़त में भी लिखी जाती है, और देवनागरी में भी लिखते हैं और गुरमुखी में भी लिखते हैं, लेकिन वो पंजाबी ही रहती है। आप पोस्टर देखते हैं, कुछ कुछ होता है कि UCH के UCHHOTAHAI, ये क्या अंग्रेजी है? नहीं, तो स्क्रिप्ट ज़बान नहीं है। आप किसी भी स्क्रिप्ट में लिखे वो ज़बान तो वही रहेगी, तो क्या वोकेबलरी है ज़बान? मैं कहता हूँ ये हॉल एयर कंडीशन है, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश? चार लफ्ज़ बोले हैं मैंने, ये हॉल एयर कंडीशन है। इनमें से दो जो अहम शब्द हैं, जो अहम अल्फाज हैं, हॉल और एयर कंडीशन, ये दोनों अंग्रेजी के। तो क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने उर्दू में या हिंदुस्तानी में हिंदी में जो भी कही है, दो अंग्रेजी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। तो फिर है क्या ज़बान? ज़बान अपना सिंटैक्स है, ग्रामर है। जब तक आपकी ग्रामर सलामत है तब तक आपकी ज़बान सलामत है, बाकी सब चीज़ें मांगेंगे। आइए चलते हैं टेबल वन से। सवाल है पांच सवाल वाले से कहिए कि शायद मैं पांच का जवाब नहीं दे पाऊंगी। नहीं नहीं, वो मैं तो इस महीने की 23 तारीख को वापस जा रहा हूँ। टेबल वन पे नायक साहब, टेबल वन कैन जी प्लीज। ये टेबल वो पूछते हैं कि वेयर डू यू सी बॉलीवुड हेडिंग इन नेक्स्ट 10 ईयर्स? यही सवाल था ना सर। मुझे लगता है अच्छा ही होगा, खराब भी होगा। उसकी वजह क्या है कि देखिए 50-60 में आप देखिए तो फिल्म लाइक दो बीघा ज़मीन, सुजाता, पंजनी, ये बॉक्स ऑफिस फिल्म थी, बहुत बड़ी हिट हुई थी ऐसा। उसके बाद जब आप 80s में देखते हैं तो एक डीप फॉल है, चाहे गाने हों, चोली के पीछे क्या है, सरकारी ले खटिया, इस तरह के गाने 80s में आए हैं, ये आपको 60s में 70s में नहीं मिलेंगे। 80s में मैं आई कंसिडर 80s एज द डार्क एजेस ऑफ हिंदी सिनेमा। ये क्यों हुआ? कोई भी चीज़ हवा में नहीं होती, फिल्में जो बनती हैं वो किसी भी मुल्क में बनती हों वो उस मुल्क के समाज का हिस्सा है, माशरे का हिस्सा है। ऐसा थोड़ी कोई मार्शियंस आके फिल्में बना रहे हैं, वही लोग बना रहे हैं जो समाज से आए। तो क्या हुआ इसे कि ये गिरावट कैसे आई और क्यों आई? अब ये पॉलिटिकली शायद बहुत सही बात नहीं हो जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत, हिंदुस्तान ने इंडस्ट्री में लीप्स एंड बाउंड्स में, वी आर द 11th मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री इन द वर्ल्ड। अब ये क्या है कि वही पैकेजेस होते हैं, जब बहुत बड़ी कोई, आप लीजिए पंजाब में साइकिल की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हिंदुस्तान शायद नंबर 2 है साइकिल्स बनाने में, तो वो जो मेन फैक्ट्री होती है वो सारा काम खुद नहीं करती, वो एक टेक्नीशियन को बुलाती है जो एक्सपीरियंस आदमी है कि देखो भाई तुम एक काम करो, तुम अपनी छोटी सी खोल लो एक दुकान या फैक्ट्री, हमें तुम 3 टन साइकिल की तीलियाँ दोगे साल, हम तुम्हें पैसा देंगे उसका। तो हर बड़ी इंडस्ट्री के चारों तरफ छोटी छोटी इंसिलरीज खुलती हैं, हर जो ऑटोमोबाइल किया हर चीज़ वो खुद थोड़ी बनाते हैं,
वो इसको कहते हैं कि व्हाट इज द टर्म फॉर इट, आउटसोर्स करते हैं, आउटसोर्स इज द वर्ड। ये आउटसोर्सिंग जो है वो जो टेक्निकल लोग हैं उनको एफ्लुएंस देती है। इन 80s ऑलमोस्ट 18 करोड़ पीपल, ये अच्छे अच्छे मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं होती, केम इनटू मिडिल क्लास इनकम ब्रैकेट। नाउ हम लोग जब बच्चे थे या मेरी उम्र के जो लोग बैठे होंगे, जब आप छोटे थे तो जो मिडिल क्लास थी वो नेसेसरीली एजुकेटेड थी। भाई आप मिडिल क्लास में आ ही नहीं सकते थे अगर शहर में आप या तो वकील होंगे या डॉक्टर होंगे या प्रोफेसर होंगे या आप गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, आप IAS में, ICS, IAS में होंगे, IFS में होंगे, IPS में होंगे, कोई जॉब जो है वो आपको मिडिल क्लास बनाता था। अब ये नए जॉब निकले वे एजुकेशन वॉज नॉट द क्राइटेरिया, तो एक हाफ बेक्ड और समटाइम्स वेरी लिटिल एजुकेटेड और समटाइम्स नॉट एजुकेटेड पीपल केम इनटू मिडिल क्लास। और इस मिडिल क्लास में क्योंकि उसके पास तालीम नहीं थी और उसकी एस्थेटिक्स डिवेलप नहीं थी, सारी जगह इफेक्ट दिखा है, पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिक्स में सेल्फिशनेस, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये कोई ईजाद नहीं हुई 80s में, ये तो पहले भी थी, इतनी घटिया नहीं थी, इतनी क्रूड नहीं थी। सियासत का मेयार गिरा, फिल्मों का मेयार गिरा, ये एक ही जगह के लोग हैं, ऐसे थोड़ी है कि हमने सोसाइटी बांटा, ये पॉलिटिक्स को देखेगा वो फिल्म देख ले जाएगा, कॉमन लोग हैं, वो जब जहर फैलता है तो बदन में भर अजूम जाएगा, तो वही हुआ कि गिरावट। लेकिन अब इनके बच्चे जो है वो फिर अच्छे स्कूल्स में गए, कोई अफोर्ड कर सकते थे, तो आम तौर से आप देखिएगा अब हमारे यहाँ एक क्राइटेरिया हो गया अच्छी एजुकेशन के, आप अंग्रेजी कितनी ठीक बोल लेते हैं और आपका तलफ़ुज़ कितना सही है और आपकी वोकेबलरी कितनी रिच है, उससे तय होता है कि आप कितने पढ़े लिखे, बाकी कोई आपकी GK टेस्ट नहीं करता है। तो 90% आज जो बच्चे हैं, ये जो जनरेशन यहाँ की बैठी है, इनकी बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम स्पीक बेटर इंग्लिश देन देयर पेरेंट्स। हिंदुस्तान में, बम्बई में, दिल्ली में, बेंगलोर में भी यही सच है। ये अब जब आए, जब हमारे जैसे या करण जौहर, आदि चोपड़ा, ये जब ये आए अर्ली 90s में, क्या हुआ, गिर गए, क्या हुआ? हमारे ख्याल में खैरियत। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आवाज़ ज़्यादा आई थी, चोट कम आई। अच्छा अच्छा, नहीं वो हुआ ये कि कुर्ता गिर गया था लेकिन ये पहने हुए थे तो बाहर आ, तो ये जो बच्चे आए ये देवर बेटर एजुकेटेड, तो इनकी फिल्मों में एक सफिस्टिकेशन वापस आपको आते देखा। 80s में जितने सफिस्टिकेटेड डायरेक्टर थे हमारे, विजय आनंद, रमेश सिप्पी, यश चोपड़ा, ये सब मार्जिनलाइज हो गए थे, देवर नो लॉन्गर इन करेंसी। ये भी धीरे धीरे आए और इन बच्चों ने जो फिल्में बनाई उनमें कम से कम एक स्किन डीप सफिस्टिकेशन था। इट विल टेक टाइम टू फाइंड अनदर बिमल रॉय और अनदर गुरुदत्त, बिकॉज वो थोड़ी डेप्थ वक्त के साथ आएगी, लेकिन वो आ रही है, वो आ रही है। जोया और फरहान भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है, दे आर नेक्स्ट टू देम, इनके बाद जो आएंगे वो उससे बेहतर होंगे। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम एक्साइटेड में हम होता था, मैंने आपको शर्माती अभी बताते लेकिन सच है कि जब मैंने पहली दफ़ा एक घर खरीदा तो मैंने उसमें वॉल टू वॉल कारपेट लगाया, तो ये मेरे एक फैंटेसी थी एक गरीब आदमी की, वॉल टू वॉल का, ये नहायती बेहूदा काम है। बम्बई में जहाँ इतनी गर्मी वैसे ही होती है और इतना ह्यूमिडिटी है, वहाँ वॉल टू वॉल कारपेट की आपको ज़रूरत क्या है? मगर ये कि वो सब फ़ोन लिए तो अलग अलग रंगों के फ़ोन, कोई गुलाबी, कोई नीला पीला। जब मैंने पहली बार कार खरीदी तो मैं हाउ प्राउड आई वाज, मेरा ये तय का घर मैंने बाद में लिया, कार पहले खरीदी,
मैं सोचा जब मैं मरूँ मेरे बारे में जब लिखा जाए तो ये होना चाहिए कि मरूम के पास एक कार भी थी। घर वर का तो ठीक है ले लेंगे यार, अभी तो ग्राहक किराए पे रह रहे ठीक है। तो मैंने पहले कार खरीदी थी। अब ये जो बच्चे हैं और हमारे ही जैसे बाकी लोग भी थे, हमारी जो जनरेशन आई वो इम्प्रूवमेंट जो सोसाइटी अर्बन सोसाइटी में जो एफ्लुएंस आया वो हम तक भी पहुँचा। ये बच्चे टेकन फॉर ग्रांटेड से फिर लेते हैं, इन्होंने जिस दिन पैदा हुए थे तो ये सब देखा था, तो उनको इस बात का कोई रोक नहीं, ना कोई शौक है ना कोई दिलचस्पी है। तो दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। आप ये देखिए कि पिछले दिनों में हिंदुस्तान में बहुत सी फिल्में बनी हैं जो बहुत छोटे शहरों से, बधाई हो बधाई ये वो, एक टीवी पे पंचायत नाम का एक प्रोग्राम, ये बेहद कामयाब फिल्म है कहीं, और ये कहाँ, ये मल्टीप्लेक्स में कामयाब हो रही है। तो ये जो लड़का है या जो लड़की है जो 20 साल के हैं 21 साल के हैं 23 साल के हैं, इनमें कहीं ये क्यूरियोसिटी है कि वेयर हैव वी कम फ्रॉम, क्या है क्या है, किस्सा क्या था पहले। वो माँ बाप को नहीं शौक था, माँ बाप तो याद भी नहीं करना चाहते थे वो तो, उन्हें तो वॉल टू वॉल कारपेट चाहिए था, इन्हें नहीं चाहिए, इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सारी सफिलेंस को या फैसिलिटीज को टेकन फॉर ग्रांटेड देते थे। तो फिर उनकी कोई तलाश जस्तजू जब ये ख़त्म हो गई, हम तो हमारी जनरेशन तो इकोनॉमिक में थी कि भाई मटीरियल सक्सेस या मटीरियल गेन हमें हो जाए, बिकॉज वी वर सो डिप्राइव्ड, ये नहीं है। तो इनकी फिक्र कुछ और है, और मैं यकीन रखता हूँ कि हमारी आप 5 साल बाद 6 साल बाद आप देखेंगे हमारी फिल्में बहुत बेहतर होंगी। भाई ये नंबर वन टेबल से सवाल जो था, देखिए बहुत बहुत डिटेल जी, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी तरह जानता था मंगेश जी को मैं, राजू स्टूडियो में हम जब फिल्में हमारी कंप्लीट होती थी तो उन्हीं के दरबार में जाते थे। ग्रेट साउंड इवन सत्यजीत रे इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज क्लेम थे, वो कलकत्ता में फिल्म बनाते थे लेकिन वो मिक्सिंग के लिए और री रिकॉर्डिंग के लिए बम्बई आते थे मंगेश जी साहब की वजह से। अच्छा लगा कि आप आए, आपने सवाल किया। बॉलीवुड से रिलेटेड एक आखिरी क्वेश्चन है कि इज देयर एनी मूवी यू हैव रिटन दैट यू विश यू वुडंट हैव रिटन। आई हैव नेवर डन एनीथिंग व्हिच आई डिड नॉट डू, नेवर। टेबल नंबर 4 से आपको मैं एक बात बताऊं, आप आपने सवाल किया, टेबल नंबर 4 से क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर फेवरेट मूवी एंड सॉन्ग that you have been part of। देखिए मेरी कोई फेवरेट मूवी नहीं है, इसलिए कि मुझे बहुत सारी फिल्में बहुत पसंद है, और वो यहाँ की भी हैं, अमेरिका की भी हैं, हिंदुस्तान की भी है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की भी है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की भी है। तो एक फिल्म को आप फेवरेट करना ये सब टीनेजर्स का काम है, बड़े होके आदमी में थोड़ी समझ आ जाती है मुझे, या फेवरेट गाना सब मेरा एक फेवरेट गाना है। तो मुझे कभी कभी कहते हैं आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, तो मैं भैया फेवरेट बुक रिलीजियस लोगों की होती है, मेरी नहीं है, वो एक ही किताब बार बार पढ़ते हैं, मैं तो अलग अलग किताबें पढ़ता हूँ। तो मेरी ये जी तो ये आपको किसने कहा, ये आपके हस्बैंड ने आपको बताया कि मोहब्बत टीनेजर्स के बाद कोई नहीं करता ये किसने, ये आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है, तो जी क्या अच्छी बात। मोहब्बत तो एक फितरी जज्बा है, कोई उम्र ऐसी हो ही नहीं सकती जिसमें इंसान मोहब्बत ना करता हो। अब मतलब क्या आप मुखड़े में लव झुर्रियां इस्तेमाल करूं क्या चाहती है। देखिए बनाता हूँ कुछ गाना बनाऊंगा, अब आपके हुक्म पे बनाऊंगा पूरा शेर सुना, जो देखी मेरा दिल पिघल गया। जी
सिर्फ एक मिसरा सुना देते हैं, जमीलुद्दीन अली साहब का, वक्त नहीं है कि दिल वालों के दिल पर कैद नहीं हर उम्र में ठोकर खाता है। तो मेरी गुजारिश है जनाब बासित जलीली साहब से कि पोडियम पे तशरीफ़ लाएं एक मिनट के लिए प्लीज़। बासित भाई तशरीफ़ लाइए, आप प्लीज़ मुझे मेरा काम कर लेने दीजिए, आप ही ने डेलीगेट किया ना। जनाब सदर तशरीफ़ लाइए। और ये अरे भाई अभी चलने दीजिए थोड़ी देर में, नहीं 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 ये आप थक गए हो तो लग बात। नहीं नहीं हाँ, ये चल रहा है, ये प्रोग्राम चल रहा है, वो सवाल करने हैं, उनका बहुत अहम सवाल है। मैं चाहूँगा कि वो जो मेरा सवाल था वो ये था कि एआई के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से था। दो माइक आ रहे हैं, आप थोड़े दूर हो जाइए, वो ठीक है ये माइक सही जी। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से था कि ये जो इसका इस्तेमाल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्या ये तख्लीकारों के लिए AI. जी 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 बहुत 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 ज़रूरी सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका सवाल पूरा कर लें एक मिनट के लिए जावेद भाई। हाँ, तो इसका जो इस्तेमाल है वो उससे जो कुदरती सलाहियत है जो तख्लीकार की, क्या वो मुतासिर होगी या उसको मजीद जो है वो राहें मिलेंगी और उसके लिए एक सामने एक ज़्यादा वसी रास्ता मिलेगा उसे, ये सवाल है। ठीक, ये बहुत मुनासिब सवाल है और ये सवाल जो है बहुत से लोगों के ज़हन में। देखिए अब 5 साल के बाद या 10 साल के बाद AI कहाँ पहुँचेगा कोई ठिकाना नहीं, इतनी तेज़ी से चीज़ें बढ़ती हैं आगे, तो मैं आगे के बारे में नहीं बोल सकता कि ये कहाँ तक पहुँच जाएगा। एक हमारी जो थिंकिंग है ना वो उसमें कभी कभी वो हाँ और नहीं के बीच में होती है, तो क्या इस तरह की थिंकिंग भी AI कर सकेगा कभी मालूम नहीं। लेकिन इस वक्त जो है AI तो काम की चीज़ है, मिसाल के तौर पे आप की जो म्यूनिसपैलिटी है उसने आपके रास्ते खोद दिए हैं जो यहाँ मुझे काफ़ी दिखाई दिए, तो आप उसको लेटर AI के थ्रू ड्राफ्ट कर सकते हैं कि भाई ये हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही है और आपका ये काम जल्दी से ख़त्म कीजिए इस सड़क पर, इसलिए कि हम तो अपनी कार ही नहीं पार्क कर सकते अपने घर, ये बहुत अच्छा लेटर लिख देगा। आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, आपको किसी को नोटिस देना है, किसी को अकाउंट देने हैं कोई, इसमें AI आपके लिए परफेक्ट है। किसी को इंफॉर्मेशन देनी है उसके लिए बहुत अच्छे वर्ड्स में और बहुत प्रिसाइज वर्ड में AI कर दे। लेकिन जहाँ तक क्रिएटिविटी की बात है, आप AI को ऐसा कहिए कि भाई एक हमको गाना चाहिए जो म्यूजिक का स्टाइल शंकर महादेवन का हो और वोकेबलरी जो है वो जावेद अख्तर जैसी हो, ये किया है लोगों ने करके देखा है, तो वो आपको एक इंतहाई मीडियोकर सा गाना दे देगा। उसकी वजह क्या है कि टुडे AI इज डिपेंडेंट ऑन डेटा, वो डेटा ही खोजेगा और उसमें से निकाल के जोड़ जा के आपको दे देगा, मगर वो क्रिएटिविटी जो लीप लेती है एक्सेप्शनल काम तो वो होता है जो नहीं हुआ था, तभी तो उसे आप एक्सेप्शनल कहते हैं, वो काम अभी AI नहीं कर सकता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, शंकर महादेवन ने और मैंने साथ में शायद 200 गाने किए होंगे, फर्ज कर लिए गाना था जो आप में से अक्सर ने सुना होगा ब्रेथलेस, सुना आपने, ब्रेथलेस नहीं किया होता और बाकी 199 गाने किए होते, तो हम कहते AI से कि आप एक बहुत एक्सेप्शनल गाना शंकर महादेवन और जावेद अख्तर का दे दीजिए, क्या ये पॉसिबल था कि वो ब्रेथलेस देता, नहीं दे सकता, वो डेटा में नहीं। तो अभी भी मेरा भी सलाम कहिएगा, तो अभी भी नो, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू प्लीज टर्न ऑफ योर फोन्स, आई मीन आई हैड रिक्वेस्टेड दिस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जी जावेद साहब, जी जी अपोलॉजीज, अरे किससे भाई, उनसे करिए, उनका हमने बातचीत डिस्टर्ब कर दी, तो वो ये है कि ये जो क्रिएटिव लीप है, ये क्रिएटिव लीप जो है वो AI अभी नहीं ले सकता, बाकी जो मैटर ऑफ फैक्ट काम है वो AI इज अ वेरी गुड सेक्रेटरी, इज अ वेरी गुड
मैनेजर, लेकिन वो आपको कोई ऐसी चीज़ दे दे जो आपने कभी देखी नहीं है, सुनी नहीं है, अभी नहीं, लेकिन ये आप होशियार रहिएगा, ये यहाँ रुक तो जाने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये डेवलप होंगी और एक स्टेज आ सकता है कि जब वो ये भी कर दिखाए, लेकिन अभी नहीं है। टेबल नंबर 29 बिल्कुल पीछे की तरफ थी, वो साहिबा जो आई थी उनका नाम रुखसाना सिद्दीकी था, जो क्रोमोसोम्स के बारे में रिसर्च कर रही हैं। तो जी हमने बस हम रिकग्नाइज करना चाह रहे थे उन्हें कि वो पीछे हैं। टेबल 26 से सवाल है कि जावेद साहब, हु इज़ योर इंस्पिरेशन? जैस्मिन, और जैस्मिन बीबी आपका लास्ट नेम नहीं पढ़ा जा रहा हमसे, पीरानी, जैस्मिन पीरानी, कैन यू स्टैंड प्लीज? आप इतनी दूर हैं, ये सवाल तो मैं बॉम्बे में था तभी कर सकती थी। हाँ तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, अब सही। जिसे इंस्पिरेशन कहते हैं आप, इसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। सवाल ये है कि आपके रडर मैसेज रिसीव कर रहे हैं या नहीं। अगर आप कर रहे हैं, आपके इंटीनर शार्प हैं, तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा भी बुरा भी, रिश्तों में बहुत कुछ हो रहा है। क्या अच्छा शेर है मीर का, सरसरी तुम जहान से गुजरे ना। सरसरी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, और इसकी जो इंग्लिश है वो कमाल है। इट इज कर्सरी इन इंग्लिश, सरसरी इज कर्सरी इन अ कर्सरी मैनर। सरसरी तुम जहान से गुजरे, वरना हर जा हर जगह जहान दीगर था। हर कदम पे दुनिया जो थी वो अलग थी, मगर तुम ऐसे ही सरसरी निकल गए। तो अगर आप देख रहे हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं, अगर आप जागे हुए हैं, तो इंस्पिरेशन की क्या कमी है? कोई कमी ही नहीं। जो रिश्ते भी हैं बड़े दिलचस्प होते हैं, इनकी जो तहें होती हैं, जो बात कर रहा है इंसान वो क्यों कर रहा है, क्या कह रहा है, किन लफ्ज़ों में कह रहा है, क्या वजह होगी किसने ये लफ्ज़ चुना। अगर सब देखते रहिए, गौर से सुनिए, तो आपको ज़िंदगी बड़ी दिलचस्प है और बहुत तहदार है। ये ऊपर ऊपर मत जाइए, ज़रा ध्यान से देखते हुए चलिए, इंस्पिरेशन की कोई कमी नहीं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। टेबल नंबर 20 से एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वन थिंग यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ? I mean, I'll have to toss a coin that whether it is my wife or my daughter. हम गुजारिश करेंगे फैयाज मर्चेंट साहब से कि एक मिनट स्टेज पर तशरीफ लाएं, और बासित जलीली साहब, अजीज धारानी साहब, आप सब हजरात को यहाँ पे जावेद साहब का इंट्रोडक्शन मिला होगा, होपफुली फॉर यू गाइस टू टेक बैक विथ यू। एक बहुत अहम काम होने वाला है। अजीज प्लीज कैन यू कम, अजीज नूरानी एज वेल। ये हम सब के लिए एक काबिल फख्र चीज़ है कि हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल्ला और जावेद अख्तर साहब मौजूद हैं, और इस प्लेक पे जो लिखा हुआ है वो है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ताहयात अदबी खिदमात, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी की तरफ से फैयाज मर्चेंट की हमारे बैठे हुए हैं, बासित जलीली, अजीज धारानी और खादिम जावेद की तरफ से अदील जैदी। तो इस पे चार शेर हैं तो इनके, लेकिन इनसे तो अभी हमें कुछ नज़में भी सुननी हैं। जावेद भाई, चार शेर आपके इंतखाब किए कि जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी ना कभी पहले रात, लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। बाकी दो शेर हम चाहेंगे
कि हमारे फयाज भाई और बासित भाई ये जावेद अख्तर साहब को पेश करें मिलके। आइए ये मुझे कई बार मिला है और हर बार मेरा दिल धड़का है कि क्या ये लोग क्या समझ रहे हैं, बस मेरी लाइफ खत्म हो गई क्या, अब इसका अचीवमेंट दे दो। हाँ चलिए ठीक है। जावेद साहब एक बहुत अहम काम करने को दिल चाह रहा था बहुत अरसे से, 1971 से अदबी खिदमात करते रहे हैं हमारे डॉक्टर अब्दुल्ला साहब अमेरिका में, तो क्या अच्छा हो कि आज आपके हाथ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम डॉक्टर अब्दुल्ला को दें। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अब्दुल्ला पोडियम पे आए। ये तो हम आप आ जाएंगे तो बताएंगे आपको। हम जावेद साहब हम दिल के बहुत कमजोर हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर अब्दुल्ला का। हम चाहेंगे कि कम से कम एक नज्म से ये जो दूसरा फेज है शायरी का वहाँ से हम आइए। यहाँ पे बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि हमारे शहर के नुमाइंदा शोरा मौजूद हैं, लिखने वाले मौजूद हैं, नसर नगार भी हैं। नज़्म को अनवान चाहता हूँ कि तुझको नज़्म करूँ, चाहता हूँ कि तुझको नज़्म करूँ, फूल से खिल उठे हैं नज़रों में, मुश्क सी खुल गई है सांसों में, नूर सा भर गया है आँखों में, हर्फ उलझे हुए हैं सोचों में, नूर को कैसे हर्फ में डालूं, फूल को कैसे शेर में गोथूं, मुश्क को कैसे नज़्म कर डालूं, देर से हाथ में कलम थामे मैं तेरा नाम लिखे जाता हूँ, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी नज़्म क्या होगी। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात वन मोर टाइम अब आप जाने जावेद अख्तर साहब जाने, हमारी तो दो फरमाइशें हैं, ये वक्त क्या है और हुक्मनामा। काफ़ी देर हो गई है, मुझे मालूम नहीं जब आप लोगों का टॉलरेंस लेवल क्या है, कितनी देर तक और झेल सकेंगे, लेकिन बहरहाल कुछ होता यह है कि मदारी कहीं भी जाए कितनी भी बातें कर ले, लेकिन तमाशा दिखाए बगैर तो उसको नहीं जाने देते, तो ऐसे ही कुछ हमारा भी है। एक गज़ल के चंद अशआर सुना देता हूँ, एक या दो नज़में सुना देता हूँ, वरना फिर आप लोग के साथ आती हो जाएगी। जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता, गलत बातों को खामोशी से सुनना हामी भर लेना, गलत बातों को खामोशी से सुनना हामी भर लेना, बहुत हैं फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं, किसी का भी हो सर
कदमों में सर अच्छा नहीं लगता, चंद शेर और याद आ गए तो दूसरे गजल के। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब है सारे ही तार टूटे तो साथ में इर्तियाश क्यों है। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब है सारे ही तार टूटे तो साथ में इर्तियाश क्यों है। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम घर तो क्या बताते, कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम घर तो क्या बताते, भला हो सबका कि ये न पूछा कि दिल पे ऐसी खराश क्यों है। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम घर तो क्या बताते, भला हो सबका कि ये न पूछा कि दिल पे ऐसी खराश क्यों है। उठा के हाथों से तुमने छोड़ा, चलो न दानिश्ता तुमने तोड़ा, अब उल्टा हमसे तो ये न पूछो कि शीशा ये पाश पाश क्यों है। एक नज़्म है आंसू। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है, ये आंसू क्या है, गवाह है मेरी दर्द मंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का, ये आंसू क्या एक सबूत है मेरे सीने में एक हसास, ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का, ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है, जो किसी की दिलदोज दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूं, ये दास्तां तो अभी सुनी, ये आंसू क्या, ये आंसू भी क्या अभी ढला है, ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था, मुझे तो शक है कि ये कहीं था, ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुर्बतें, जहां मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं है, जहां से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल, यह आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था, जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे, तो करता फिर किस पे नाज आंसू, ये हो गया बेजवान आंसू, यतीम आंसू यसीर आंसू, न मौत पर था न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते ठिठक गया था, झिझक गया था। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, इधर से आज किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना, तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे चस्के सवाल करता, ये मेरी पलकों तक आ गया है। तो पढ़ के ही सुना देता हूँ, ये लिखी है अगर फिर क्या मसला है, कहाँ है ये, वो नम सुना देता हूँ जो आप कहती है, तो आपने पढ़ी है तो अभी क्या सुना। मैं नहीं जाने वाला हूँ, जी धमका किसी रहे भाई, जी चलिए बहरहाल आपको तो जाना है, सुना दे। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख, जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह,
जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जो वाकयात हो गए उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। जी तो मैं लिखना छोड़ दूं? जैसा आप कहें, फिर बोले ही करूंगा। जी जी जी, नहीं उससे पहले क्या किसी ने छत्रा जी। अच्छा जी, अच्छा एक नज्म है, ये खेल क्या है? शतरंज जिसमें मेटाफर है, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं, अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है हारना क्या? न ये ज़रूरी न वो है, अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है तो खेल क्या है। मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूँ, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वज़ीर सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज जो कि रखती है मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूँ तो सोचता हूँ ये खेल कब है, ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आँच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है, अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। ये बस वो आखिरी बैठी, अब इतना किया है तो एक ही नज़्म बची है वो भी सुन जाइए, कहाँ जा रहे हैं। वरना खामखा मेरे दिल में रहेगा कि वो टूट के चली गई थी। शुक्रिया बैठने का। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब न गुजरा था तब कहां था, कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहां है, कहीं तो होगा। कहां से आया किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है? ये वाकये हादसे तसादुम हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक कजियत हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम हर एक आंसू, हर एक नगमा हर एक खुशबू, वो जख्म का दर्द हो के वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज हो के माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फजाएं, वो फिक्र में आए जलजले हों कि दिल की हलचल तमाम एहसास सारे जज्बे, ये जैसे पत्ते हैं बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ है अभी वहाँ है और अभी उछल, दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा,
ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है, ये वक्त क्या है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े। तो क्या ये मुमकिन है, सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हूं, ये वक्त साकेत हो और हम ही गुजर रहे हो। कभी कभी मैं सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ आ रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है, सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकेत हो और हम ही गुजर रहे हों, इस एक लम्हे में सारे लम्हे तमाम सदियां छुपी हुई हों, न कोई आइंदा न गुज़श्ता, जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूं कि क्या ये मुमकिन है, सच्ची हो के सफर में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है, हर मुंजमित या पिघल रहा है, किसे खबर है किसे पता है ये वक्त क्या है। रियाज नियाजी साहब, अजीज अब तो आ जाओ, अब अनदर बिग हैंड फॉर अजीज धारानी टू मेक इट हैपन। रियाज नियाजी साहब, गालिब का शेर सातकैन साहब की पेंटिंग है, भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्रे पुर पेचो खम का पेचो खम निकले। जी मैंने इससे कहा कि मुखबरी हो रही है आपके लिए, मैंने अब्दुल्ला साहब की खिदमत में इसका रोल देखूँ जो आप खुद फ्रेम बना दीजिए, वैसे आप ले जा रहा ध्यान तो मेरी तरफ से बड़ी खुशी। हमारे ख्याल में रोल ही तक रखें। ये साइज तो ऐसा कि इसी पे बैठ के मैं समंदर के बहुत शुक्रिया जय साहब, हम बेइंतहा शुक्रगुजार हैं डॉक्टर अब्दुल्ला के कि इन्होंने ये तकरीब जो है मुमकिन बनाई हमारे लिए। तमाम शहर ह्यूस्टन, ग्रेटर ह्यूस्टन, शुगरलैंड के रहने वाले आपके ममनून मशकूर हैं भाई तो, अब्दुल्ला भाई नहीं नहीं इनके इनका शुक्रिया तो आखिर में करेंगे ना, पहले जो लाने वाला है उसका तो कर दें। तो यार भाई, हमारा ये जो एक ख्वाब था कि ये आपको सुने और सामने बैठ के सुने, उसे पूरा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब ये अच्छा, ये एक टोकन है जावेद साहब आपके लिए, तोहफा है इसमें, हम अकेले में खोल के देख लेंगे कि कोई वाइट पाउडर तो नहीं है इसमें, लेकिन बिग थैंक यू फॉर अर्शद, बिग थैंक यू फॉर अर्शद। हमारे अजीज़ नूरानी, फैसल मियां, जे एन वीरू ऑफ ह्यूस्टन, ये तस्वीर पीछे जो एक थी काउबॉय हैट में, वो इनके बेटे की नहीं थी, इन्हीं की तस्वीर थी, फरहान अख्तर की नहीं थी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे वो चली गई, राइट हियर। ये जावेद अख्तर साहब हैं, और ये किस सन की और किस मूवी के सेट की है? ये 73-74 की है, शोले के सेट, आउटडोर की है। ये मेरे साथ अक्सर होता है कि लोग मुझसे मिलते हैं, और कभी कभी एक अभी मैं एयरपोर्ट पे था बॉम्बे में, तो दो तीन लड़कियां भागती हुई आई मेरे पास, यंग लड़कियां, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि चलो अभी भी कुछ बात तो है। तो जब वो पास आई तो कहें अंकल आप सलमान अख्तर से फरहान अख्तर से कितने मिलते हैं? तो मैंने कहा तुम तो अब कह रही हो, मैं 5 साल का था तब से सुन रहा हूँ।
बिल्कुल फरहान अख्तर जैसा, देखो अजीब मुश्किल है भाई, क्या मेरी भी जिंदगी बड़ी ट्रेजिडी में गुजरी है। बच्चा था तो सब कहते हैं लखनऊ में मजाक के भागे हैं, उसके बाद फिर भोपाल आया तो भोपाल में मेरे वालिद पढ़ा चुके थे काफ़ी बड़ा, ये जानेसर अख्तर के बेटे हैं। फिर उसके बाद मैं बम्बई आया तो ये शबाना आजमी के हस्बैंड हैं, तो अब ये है कि ये फरहान के जोया के वालिद हैं, तो मुस्तकिल कोई मेरे पीछे लगा रहता है, परेशान हो गया हूँ। अब आप जा सकती हैं।